Hello students, welcome to the class. And in this session we are going to discuss the one shot for the haloalkanes and haloarenes. Okay, तो आज की इस क्लास में हम haloalkanes और haloarenes का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या होता है, कैसे होता है, सो लेट शैल बी डिस्कस. ओके, सो बिफोर एंटरिंग इन दिस चैप्टर वी विल लाइक इंट्रो कि what आर द haloalkanes एंड haloarenes. ओके, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि जो haloalkanes जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, है ना. तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट आर द haloalkanes. ओके, haloalkanes क्या होते हैं इनके बारे में बेटा आप जानेंगे. तो haloalkanes को बेटा समझने के लिए हमें समझना होगा कि alkanes का फॉर्मूला तो हम सभी को आता होगा, alkanes क्या होते हैं. तो alkanes जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पुट कर दो तो बेसिकली जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक एल्केन. ओके, अगर इस एल्केन के हाइड्रोजन एटम को सब्सिट्यूट करा जाए, इसके द्वारा हैलोजन एटम के द्वारा अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, आर और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक्स. तो बेसिकली ये जो आर सिंगल बॉन्ड एक्स यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला जो बन के आता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं haloalkanes. ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, haloalkanes. अब इन haloalkanes को आइदर करके आप इन्हें अल्काइल हैलाइड भी कहते हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा. haloalkanes को या करके हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड. ओके बेटा, अब जिस तरह से haloalkanes होते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ही होते हैं हमारे पास haloarenes भी होते हैं. तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि haloarenes क्या होते हैं, arenes. तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही कभी भी केमिस्ट्री में arenes वर्ड सुनने को मिलता है तो arenes का मतलब हमें तो सिर्फ एक चीज़ आता है, एरिन का मतलब होता है बेंजीन. ओके, एरिन का मतलब क्या होता है बच्चों, बेंजीन. अब बात समझ में आ गई होगी कि इस बार जो हाइड्रोजन एटम सब्सिट्यूट करना है वो कहाँ से करना है, बेंजीन से करना है. बेंजीन से भी जानते हैं बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6. करना क्या है, बेसिकली करना क्या है कि इसके एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन एटम के द्वारा क्या करना है, सब्सिट्यूट करना है. तो फाइनली यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा C6H5 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे X. तो यहाँ पे C6H5X जो कंपाउंड यहाँ मिल के आता है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, haloarene बोलते हैं. सो दिस इज बेसिकली haloarene. ओके, दिस इज बेसिकली haloarene, haloarene. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना होगा कि haloarene का एक नाम और भी होता है जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, aryl halide बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, aryl halide. ओके, सो दिस इज haloarene एंड aryl halide, दिस इज haloalkanes एंड alkyl halide. ये हो गया. उसके बाद बेटा हमें समझना होगा कि जो haloalkanes होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, यू वुड नो टू कि जो सिंगल बॉन्ड जो आर होता है ना, आर सिंगल बॉन्ड जो आर होता है, बेसिकली इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं. क्या बोलते हैं इसे, अल्काइल ग्रुप कहते हैं. अब यहाँ पे haloalkanes कितने टाइप के हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा कि मैंने सिंगल बॉन्ड आर यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वो मैंने मिथाइल लगा दिया. मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है. और एक्स की जगह सपोज दैट मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का एटम लगा दिया, क्योंकि आपको पता है जो एक्स एटम जो है वो एक्स एटम फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन का एक एटम हो सकता है, क्लोरीन का एक एटम हो सकता है, या फिर ब्रोमीन का एटम हो सकता है, या फिर आयोडीन का एटम हो सकता है, इनमें से कोई भी यहाँ पे एटम हो सकता है. तो अगर CH3Br यहाँ पे लगाते हैं तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, CH3 से भी जानते हैं. CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है. और Br के लिए हम जानते हैं ये क्या होगा बेटा, हमारे पास मिथाइल और यहाँ पे ब्रोमाइड. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हमने एक कार्बन और बढ़ाया कार्बन की चेन में और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 कर लिया और बेसिकली Br को Br ही रख दिया. तो CH3CH2 बेसिकली क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है. तो इसका जो नाम होना चाहिए, इस haloalkane का जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इथाइल ब्रोमाइड होना चाहिए. नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, एक चेन हमने यहाँ पे, इस तरह की चेन हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट की. और आपको शायद पता होगा कि ये जो चेन जो होती है, बेसिकली ये जो चेन दिख रही है, इस चेन को बेटा हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल चेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल. अब आइसोप्रोपाइल के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, Br लगाया हुआ है. सो दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल, दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. ये यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. उसके बाद हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी और ब्रांच चेन यहाँ पे लगाई जिसमें कई सारी ब्रांच हो, जैसे कि हमने एक ब्रांच यहाँ पे लगा दी बेटा, एक ब्रांच ये है, ये एक ब्रांच हमने यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, एंड दिस इज Br. तो यहाँ पे ये जो बेटा ब्रांच होती है, ये वाली चेन जो आपको दिख रही है, इस चेन को बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल चेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल. अब टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ क्या अटैच है बेटा, यहाँ पे Br. तो इसका जो नाम होगा कम्प्लीटली वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ओके. तो ये हो गया बेसिकली बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया. ओके, इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और भी यहाँ पे haloalkanes लेते हैं. तो अब कुछ हमने haloalkanes लिए, जैसे कि हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर ली जाए.
बेसिकली अगर आप ये देखोगे कि तो ये जो कार्बन एटम जो लिया हुआ है इसकी जो यहाँ पे डिग्री है वो कितनी है, वन है। कितनी है, वन है। तो बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसे कह सकता हूँ क्योंकि कार्बन की डिग्री यहाँ पे वन है तो ये यहाँ पे कहलाएगा प्राइमरी अल्कलाइड या फिर वन डिग्री अल्कलाइड होगा। ये होगा आपका वन डिग्री अल्कलाइड, है ना बेटा। क्या होगा, दिस इज वन डिग्री अल्कलाइड या फिर प्राइमरी अल्कलाइड, दोनों में से कुछ भी यहाँ कह सकते हैं। और यहाँ पे इस वाले कार्बन की डिग्री देखोगे बेटा तो ये भी यहाँ पे वन डिग्री अल्कलाइड है, लेकिन देखो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे दो कार्बन के आइटम्स अटैच हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये बेसिकली यहाँ पे टू डिग्री अल्कलाइड है, यानी कि सेकेंडरी अल्कलाइड है। ठीक है, तो ये टू डिग्री अल्कलाइड है। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पे, तो बेसिकली ये हो गया बेटा आपका थ्री डिग्री अल्कलाइड। ओके, तो अगर आपको क्लासिफिकेशन भी करना हो तो ये वन डिग्री है, टू डिग्री है, थ्री डिग्री है, और ये इस तरह से वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री, फोर डिग्री का अल्कलाइड हमारे पास होता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की और भी है कि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीआर आइटम्स ना वो एक बार है, नंबर ऑफ बीआर आइटम कितने बेटा, एक बार है। तो बेसिकली अगर इन सबको अगर मैं क्लासीफाइड करूँ, जैसे कि सबको एक ही क्लास में बताना हो कि ये मोनो हेलोएल्केन है या फिर डाई हेलोएल्केन है, तो इस बिहार पर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि सभी में क्योंकि एक ही बीआर आइटम प्रेजेंट है, सो दैट मैं इन सभी को यहाँ पे कलेक्टिवली कह सकता हूँ कि दीज आर मोनो हेलोएल्केन, है ना। इन्हें क्या कहा जा सकता है, मोनो हेलोएल्केन इन्हें कहा जा सकता है। और मोनो हेलोएल्केन कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इन सभी में एक हेलोजन का आइटम प्रेजेंट है, सो दैट दीज आर द मोनो हेलोएल्केन। ओके, अब इतना करने के बाद बेटा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया कि कुछ और हेलोएल्केन्स लेने की कोशिश करी। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, ये CH3 है और ये यहाँ पे कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो लगा दिया बेटा हाइड्रोजन का एटम और यहाँ पे दो ब्रोमीन के एटम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है बेटा, अब आपने देखा कि यहाँ पे दो ब्रोमीन के एटम लगे हुए हैं, और एक केस हमने कुछ ऐसा लिया जैसे कि यहाँ पे ये CH2 है, सपोज दैट ये CH2 है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास Br है और यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये Br है और ये है बेटा आपका CH2। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दोनों ही केस में नंबर ऑफ Br एटम जो है दो बार है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो Br के एटम टू टाइम है और यहाँ पे भी Br के एटम टू टाइम्स हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो दोनों Br के एटम हैं वो सेम कार्बन एटम के साथ यहाँ पे अटैच हैं, सेम कार्बन एटम, यानी कि दोनों Br के एटम जो हैं वो सेम कार्बन एटम के अटैच हैं। और इस वाले यहाँ देखोगे तो दोनों Br जो है वो सेम कार्बन से अटैच नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे अटैच्ड है। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब होता है पड़ोसी कार्बन पर जब यहाँ पे दो Br लगे हुए हों। तो बेसिकली देखो, एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो इनको डाई हैलाइड कहना चाहिए, डाई हैलोजन कहना चाहिए, बात तो क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन आइटम टू है। तो बेसिकली दी ज़्यादा डाई हेलोएल्किन, पहली बात तो ये होगी कि ये दोनों कंपाउंड जो आपने लिए हुए हैं ये डाई हेलोएल्किन है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे चैप्टर में, सो इसीलिए मैं यहाँ पे इंट्रो करा रहा हूँ। सो दी ज़्यादा डाई हेलोएल्किन, एक बात तो कंफर्म है कि दी ज़्यादा डाई हेलोएल्किन। बट समझने वाली बात है कि जब दोनों हेलोजन के आइटम सेम कार्बन से अटैच हों तब ऐसी सिचुएशन में हम हमारे कंपाउंड को कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल डाई हैलाइड इन्हें कहा जाएगा। और जब दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन एटम के साथ जब यहाँ अटैच्ड हो तब उन्हें कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल डाई हैलाइड, दीज आर द विसिनल डाई हैलाइड। ओके, अभी हम यहाँ समझते हैं कि हमारे पास कुछ और भी हेलोएल्केन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एक कार्बन का एटम जिसके साथ यहाँ पे तीन हेलोजन के एटम्स अटैच्ड हो, जैसे कि एक हमारे पास Br यहाँ पे है, एक Br एटम यहाँ पे है और एक Br एटम यहाँ पे है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम यहाँ पे काउंट करोगे तो थ्री देखेंगे, आपको दिख रहे ना बेटा थ्री। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बेटा आपके पास थ्री हैं। देखो जरा, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि ये जो हेलोएल्केन है वो कैसा है, ये है हमारे पास ट्राई हेलोएल्केन। क्या है बेटा, ट्राई हेलोएल्केन, तो ये ट्राई हेलोएल्केन है। और बेसिकली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ट्राई हेलोएल्केन जो होते हैं इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इन्हें हम हेलोफॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CHX3। मतलब जब एक कार्बन के पास जब थ्री हेलोजन के एटम्स अटैच्ड होते हैं तब हम उसे कहते हैं बेटा हेलोफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक केस और बचता है और वो क्या है, वो है कि जब एक ही कार्बन के साथ चार हेलोजन के एटम अटैच्ड हो, Br, Br, Br एंड Br। ओके,
तो जब चार हेलोजन के एटम अटैच होंगे तो ऐसे केस में हम हमारे हेलोएल्केन को कहेंगे क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलोएल्केन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रा हेलोएल्केन. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टेट्रा हेलोएल्केन, क्योंकि चार है ना बेटा यहाँ पे. सो दिस इज बेसिकली टेट्रा हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन. बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ये हेलोएल्केन्स का बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन था. जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे पढ़ा मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन एंड टेट्रा हेलोएल्केन. तो ये हमने कुछ जो क्लासिफिकेशन जो भी पॉसिबल हो सकता था वो सारा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे सीख लिया. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्पेशल केस और पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स के, और वो क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे बेटा. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं कुछ और हेलोएल्केन्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और वो क्या क्या होते हैं वो देखो बेटा. कुछ स्पेशल हेलोएल्केन्स पढ़ने हैं. ठीक है, ओके. तो अब हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया सम स्पेशल केस ऑफ हेलोएल्केन. सम स्पेशल केस ऑफ हेलोएल्केन्स. अब हम यहाँ पे हेलोएल्केन्स के कुछ स्पेशल केस यहाँ पे सीखेंगे, और कौन कौन से होते हैं लेट्स सी. हेलोएल्केन्स के कुछ स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्पेशल केस आता है वो आता है हमारे पास क्या, वो आता है हमारे पास अलाइल हेलोएल्केन्स आता है ना. क्या आता है बेटा, अलाइल. ओके, कौन सा आता है बेटा, अलाइल हेलोएल्केन्स. तो हमें अभी यहाँ फिलहाल जो सीखना है वो सीखना है अलाइल हेलोएल्केन्स. तो ये जो अलाइल हेलोएल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो बेटा, आपको अगर कहीं भी ओपन चेन हो कार्बन की या फिर क्लोज चेन हो, तो उसमें जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम दिखे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम दिखे, तो उस सिस्टम के बाद जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट होता है, इसी कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं अलाइल कार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, अलाइल कार्बन एटम कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, अलाइल कार्बन एटम. तो द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के साथ जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं अलाइल. और इस अलाइल के साथ जब हाइड्रोजन का एटम यहाँ अटैच होता है तब हम उसे बोलते हैं अलाइल हेलोएल्केन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, अलाइल हेलोएल्केन. जस्ट वेट बेटा. तो हमने यहाँ पे सीखा था कि अलाइल हेलोएल्केन जो है फर्स्ट टाइप है. तो अलाइल हेलोएल्केन्स क्या होता है, तो हमने सीखा कि सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट कार्बन एटम जो होता है उसे कहते हैं अलाइल कार्बन एटम कहते हैं. और अलाइल के साथ अगर यहाँ पे हेलोजन का एटम अटैच हो तो उसे बोलते हैं अलाइल हेलोएल्केन्स कहते हैं. तो यह बेसिकली यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो अलाइल कार्बन एटम के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, एंड दिस इज बेसिकली दैट दिस इज द अलाइल सी एटम है ना बेटा. ये क्या है बेटा, हमारे पास अलाइल सी एटम. तो ये हमारे पास अलाइल हेलोएल्केन है. अभी हम सीखेंगे एक दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास विनाइल आता है बेटा. विनाइल हेलोएल्केन सीखेंगे आप लोग, है ना. क्या सीखेंगे, विनाइल हेलोएल्केन. ओके, विनाइल हेलोएल्केन. तो विनाइल हेलोएल्केन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे बेटा. क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, तो याद रखना बेटा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो दोनों कार्बन एटम होते हैं ना, चाहे फिर ये वाला हो और चाहे फिर ये वाला हो, ये दोनों ही विनाइल होते हैं. और इसके साथ अगर यहाँ पे हेलोजन का एटम आ जाए तब हम इसे कहते हैं विनाइल हेलोएल्केन्स का हाथ कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल हेलोएल्केन. सो दिस इज बेसिकली विनाइल हेलोएल्केन. ओके, तो अलाइल हो गया, विनाइल हो गया. उसके बाद समझते हैं एक होता है हमारे पास बेंजाइल होता है बेटा. क्या होता है, बेंजाइल. तो हमारे पास यहाँ पे हो गया बेंजाइल हेलोएल्केन आ गया, बेंजाइल हेलोएल्केन. अब ये बेंजाइल हेलोएल्केन क्या होता है, मतलब कि आपको क्या करना होगा, बेंजीन की एक रिंग लेनी होगी, और बेंजीन रिंग के बाद जो नेक्स्ट कार्बन एटम जो आता है बेटा, इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बन एटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन एटम. और इसके साथ अगर यहाँ पे हेलोजन का एटम अगर यहाँ अटैच हो तो उस केस में हम लोग उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेंजाइल हेलोएल्केन. क्योंकि यहाँ पे हेलोजन का एटम बेंजाइल कार्बन से यहाँ पे अटैच है. तो दिस इज द बेंजाइल कार्बन एंड दिस इज द विनाइल कार्बन एटम. एक और आता है लास्ट वन, विच इज द बाईसाइक्लो हेलोएल्केन्स. बाईसाइक्लो हेलोएल्केन्स, बाईसाइक्लो हेलोएल्केन्स. तो ये जो बाईसाइक्लो हेलोएल्केन्स होते हैं ये भी एक स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं. और ये क्या होते हैं, इनके लिए बेटा हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है जो कि बेसिकली बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है. बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, देखो बेटा, इस कंपाउंड में अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लिक चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हमारे पास, सिक्स. तो सिक्स कार्बन एटम की यहाँ पे एक साइक्लिक चेन है. अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जाए कि एक कार्बन एटम ऐसा मिल जाए जो कि यहाँ पे इन कार्बन एटम के साथ एक और चेन बनाए, जैसे कि ये कार्बन एटम है ये वाला, अब इसको हमने इसके साथ यहाँ अटैच किया और इसी कार्बन को यहाँ पे ऐसे भी अटैच किया, तो यहाँ पे जो सेवन्थ कार्बन जो आया वो यहाँ पे एक नई चेन बना रहा है बेटा. ये वाली देखो, एक चेन यहाँ पे ये थी, एक चेन यहाँ पे ये थी, एक चेन यहाँ पे आ गई. तो ये होते हैं हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं. और बाईसाइक्लो कंपाउंड में कहीं पर भी अगर हेलोजन का एटम अटैच हो जाए, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया है ना, एक्स, तो ये एक बाईसाइक्लो हेलोएल्केन है बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड बाईसाइक्लो था तो यहाँ पे बाईसाइक्लो हेलोएल्केन है.
और ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन एटम जो होता है, इस वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम बोलते हैं, ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम, इसे कहते हैं ब्रिजिंग हेड कार्बन एटम। तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप सीखे हेलो एल्केन से, वो है हमारे पास अलाइल हेलो एल्केन पहली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो है बेटा हमारे पास वो है विनाइल हेलो एल्केन, उसके बाद अगली कैटेगरी है हमारे पास बेंजाइल हेलो एल्केन, उसके बाद अगली कैटेगरी है हमारे पास बाईसाइक्लो हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो इतना करने के बाद जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं उनके बारे में हमने सीख लिया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या है वो सीखेंगे बेटा, ठीक है। सो लेट डिस्कस। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा द नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है बेटा, और ये आपको पता ही होना चाहिए, नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये है बेटा टॉपिक, द नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये टॉपिक है बेटा, हेलो एल्केन में और हेलो एरीन में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड नेचर होता है वो कैसा होता है, ये है आज का टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स सी, सपोज दैट बेसिकली बेटा हमने यहाँ पे कोई भी एक हेलो एल्केन ले लिया, ओके। जैसे कि ये यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है R, और यहाँ पे ले लिया हमने हेलोजन का एटम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो हेलोजन एटम क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और अल्काइल ग्रुप पर जब जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और बॉन्ड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो कार्बन और हेलोजन के बीच का यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, मतलब इनमें पार्शियली पोलैरिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ कार्बन अगर मैं लेता हूँ, और यहाँ पे सपोज दैट मैंने क्लोरीन का एटम ले लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो बेसिकली मुझे समझना होगा कि भाई इनके बीच के जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन पे होगा प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज। तो दिस इज द नेचर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, मतलब ये जो है हेलो एल्केन के अंदर जो है बॉन्ड पोलैरिटी होती है, मतलब इसके कार्बन और एक्स, मतलब कार्बन और हेलोजन एटम जो है उनके बीच में यहाँ पे पोलर बॉन्ड होता है, सी सिंगल बॉन्ड एक्स, जहाँ पे एक्स पे है प्लस, एक्स पे है माइनस और कार्बन पे क्या है, प्लस। अब अगर हम बात करते हैं हेलो एरीन की बात करते हैं, तो हेलो एरीन में कुछ केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमने हेलोजन का एटम लिया और ये हमने बेंजीन की रिंग ले ली बेटा, तो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है और हेलोजन एटम है उसमें भी यहाँ पे हेलो एल्केन की तरह बॉन्ड पोलैरिटी होगी। तो एक बात तो कन्फर्म है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का एटम है उस पे यहाँ पे पार्शली डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शली डेल्टा नेगेटिव होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है, इस कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये ध्यान रखना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज जो आपको यहाँ दिख रहा है बेंजीन के अंदर, क्योंकि पाई बॉन्ड का यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इन द हेलोएरीन, अगर हम बात करेंगे कि इन हेलोएरीन है ना, इन हेलोएरीन, अगर हम यहाँ पे हेलोएरीन की अगर हम बात करते हैं, इन हेलोएरीन पार्शली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी कि ये जो है बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो आपको समझने वाली बात ये है कि जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने पर क्या होगा कि जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको समझना होगा कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होती है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन में कार्बन एटम को इजीली अप्रोच कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है वो इसे आसानी से अप्रोच कर सकती है, यानी कि एक्स का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, मतलब यहाँ पे अटैक करना क्या है, ईजी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ बात करोगे इस वाले कार्बन को यहाँ पे अटैक करने की सोचोगे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज लग तो रहा है, आपको देखने पे लग रहा है कि बेंजीन में कार्बन प्लस चार्ज आ रहा है, लेकिन वो जो प्लस चार्ज है बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सो दैट उसे इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं है, कोई देना भी चाहता तो उसे आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते, मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप टेम्प से बढ़ा के और वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड पोलैरिटी होती है, लेकिन वो इसका जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है आप जानते हैं कि वो प्लस आई शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिससे कि इसके कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड पोलैरिटी मैक्सिमाइज होती है और इसके बीच में यहाँ पे कम होती है, ठीक है।
तो हमने हेलो एल्केन जान लिया, हमने क्लासिफिकेशन जान लिया और यहाँ पे बॉन्ड नेचर जान लिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, एक टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है वो समझते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आरएक्स ले लिया, और अब तक आरएक्स के बारे में आप जान चुके हो, आरएक्स क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। अब मान लो कि आरएक्स की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हमने ले ली। न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या जानते हो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन को यहाँ पे अप्रोच करती है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन को अप्रोच करती है, और जबकि जो कि हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे कार्बन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्स पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगी, ये अटैक करेगी, अप्रोच करेगी, कहाँ अप्रोच करेगी, जहाँ पे भी उसको नीडेड है। तो जो न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नीड कहाँ पे, कार्बन पे है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी, यहाँ पे हेलो एल्केन्स को क्या करेगी, अप्रोच करेगी, मतलब अटैक करेगी। और अटैक करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे जो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल वहाँ प्रेजेंट है, मतलब एक्स, उसको वहाँ से हटा देगी। तो फाइनली यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट होकर के यहाँ बाहर निकल जाएगी। तो एक्स नेगेटिव यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा बेटा, दिस इज द एक्स नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी समझनी होंगी, और वो क्या है वो समझो बेटा जरा। वो ये है कि ये जो आर एक्स यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं, दिस इज द आर एक्स, तो ये जो आर एक्स का जो मॉलिक्यूल बेटा आपको यहाँ दिख रहा है, आपको इसके बारे में जानना होगा। बेसिकली इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे कहते हैं सब्सट्रेट, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्सट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो आर एक्स का जो मॉलिक्यूल होता है ये सबसेट मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे जो एन यू जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या होती है, ये एक अटैकिंग रिजेंट होता है, और इस अटैकिंग रिजेंट का यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है बेटा आपका एक अटैकिंग रिजेंट। तो जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे हमें ये समझ लेना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक अटैकिंग रिजेंट होता है ना। आप ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आपने अटैकिंग रिजेंट जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, क्या लिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आप यहाँ कह सकते हो कि दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच द अटैकिंग फाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग फाइल एक न्यूक्लियोफाइल हो, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग फाइल एक न्यूक्लियोफाइल हो, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, तो वही डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिकली बहुत बहुत सिंपल है बेटा, कि अगर सब्स्टिट्यूशन हो और सब्स्टिट्यूशन में जो अटैक करने वाला बंदा है ना वो एक न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। ओके, अभी हम चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख पा रहा होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना। हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है, जैसे हम लोग बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। देख पा रहे हैं ना आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक बात तो कन्फर्म है कि सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे बाय मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, बाय मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, बाय मॉलिक्यूलर का एक सिंपल सा मीन होता है, सिंपल सा मीन ध्यान रखना है कि जिसकी यहाँ पे रेट ऑर्डर, अगर रिएक्शन जो रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी, ऑर्डर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहने कहते हैं, जिनकी ऑर्डर यहाँ पे 2 होगी, मतलब रिएक्शन की जो ऑर्डर है, रिएक्शन मैकेनिज्म की जो ऑर्डर है, अगर वो 2 आती है तो उसे कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जब ऑर्डर जब 1 निकल के आती है तो उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो बेसिकली दिस इज द बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके,
ओके लेट बिगिन। तो स्टूडेंट्स देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके तो टॉपिक का नाम है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय मॉलिक्यूलर, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी ऑर्डर यहाँ पे क्या होती हो बेटा, टू होती हो। तो हम यहाँ बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऐसी केमिकल रिएक्शंस को जिनकी यहाँ पे ऑर्डर टू होगी, उन्हें कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने समझ के चलते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड का नाम है मिथाइल ब्रोमाइड, है ना बेटा। हमने कंपाउंड यहाँ पे लिया मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br। अब इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई और वो जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो है हमारे पास OH-। ओके अब जैसा कि आपको पता है कि इस वाले बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होती है, ब्रोमीन पर क्या होगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो OH- न्यूक्लियोफाइल है वो किसको अटैक करेगी बेटा, कार्बन को अटैक करेगी। एंड अटैक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और प्लस करके यहाँ पे क्या होगा बेटा Br- यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी इस तरह से। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन जो बेटा आपको यहाँ दिख रही है ये यहाँ पे एक बाय मॉलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे इसको SN2 भी कहा जाता है, दिस इज द बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इसकी रिएक्शन की रेट जब यहाँ निकालोगे, मतलब स्पीड जब निकालोगे, तो आप देखोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि जो सब्सट्रेट आपने लिया है एक तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि CH3Br तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है उसी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सब्सट्रेट पर भी डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड करेगी बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल जब दोनों पे यहाँ पे डिपेंड करेगी, और आपको पता है कि जब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल यहाँ से हटाते हैं तो एक रेट कॉन्स्टेंट मिलता है K, तो यहाँ पे K हो गया और यहाँ पे हमारा सब्सट्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो कौन है बेटा, हमारे पास CH3Br है ना, क्या है बेटा CH3Br। तो यहाँ पे CH3Br हो गया और उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास OH-। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐसी सिचुएशन मिलती है आपसे एग्जाम में कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा when the rate of reaction इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि CH3Br जो है बेटा वो यहाँ पे ध्यान रखना है इट इज ए सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे सब्सट्रेट कहलाता है और Br जो है बेटा वो क्या कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। तो समझने वाली बात यह है कि जब हमारी रिएक्शन की रेट सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है दोनों पे जब डिपेंड करती है तो यहाँ पे ऑर्डर जब निकल के आएगी, रिएक्शन की जो ऑर्डर निकल के आएगी सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे क्या निकल के आएगी टू निकल के आएगी। तो ऑर्डर यहाँ पे जब भी टू निकल के आती है तो ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। अब इसको समझते हैं कि ये why this is biomolecular reaction, मतलब ऐसा कैसे समझ में आ रहा है कि रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड कर रही है, वो समझते हैं बेटा। देखो जरा हमने यहाँ पे क्या किया कि मिथाइल ब्रोमाइड को यहाँ पे ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड जो भी था वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया बेटा आपका मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगी, टेट्राहेड्रल होगी, है ना टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे होगा और Br यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी भी है, पोलैरिटी कैसे है, कार्बन पर पार्शियली प्लस चार्ज है और ब्रोमीन पर माइनस चार्ज है। अब मान लो कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की बात करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल जो हम अटैक करनी ना तो वो कहाँ से अटैक कर सकती है, पॉसिबल कंडीशन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आप ये समझ के चलते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो OH- है और OH- अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगी तो आपका ये सोचना गलत होगा, पता है क्यों। मान के चलो कि जब ये यहाँ से अटैक करने जा रही होगी और इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है तो सामने कौन दिखेगा, Br, और Br का चार्ज भी कैसा है बेटा नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फ्रंट साइड से जो अटैक होगा वो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट अटैक होगा, मतलब यहाँ पे अटैक कर पाना मुश्किल होगा। तो यही वजह होती है कि अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अगर सामने ही है तो फिर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना वो एक सब वे ढूंढती है, मतलब कि एक ऐसा रास्ता ढूंढती है जहां से अटैक कर पाना इजी हो। तो अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे अच्छा रास्ता है ना कि पीछे से अटैक करे, पीछे की साइड से, मतलब रियर साइड अटैक करे, तो अगर यहां पे OH- को यहां से अटैक करने की अगर सोचता है तो आई थिंक ये जो रास्ता है ये सबसे सिंपल रास्ता है, क्योंकि जैसे ही इसे अप्रोच करेगी तो यहां पे रियर साइड से अटैक कर पाना बहुत ही आसान होगा। तो अब अगर आप यहां पे आप लिखो तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम रियर साइड। कहाँ से हो रहा है बेटा? पीछे की साइड से हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है प्यारे बच्चों वो कहाँ से हो रहा है? रियर साइड से हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करती है यानी कि अप्रोच करती है, तो अप्रोच करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना वो हमारे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करती है। और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है वो देखो जरा। आपको पता है कि आपकी जो OH नेगेटिव फाइल है वो अभी ऐड होने के लिए जा रही है। किसके साथ ऐड होने जा रही है? कार्बन के साथ। और जो जब ये अटैक होगा तो आपको पता है BR को यहाँ से हटना होगा, तो BR यहाँ पे हटेगी तो अभी हटी नहीं लेकिन हटने जा रही है। और हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है उसको एक यहाँ दिखा देते हैं, एक यहाँ दिखा देते हैं, और एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसे यहाँ दिखा देते हैं। समझने वाली बात यह है कि BR यहाँ पे अप्रोच कर रही है ना। BR क्या कर रही है? अप्रोच, सॉरी OH अप्रोच कर रही है और BR यहाँ पे क्या रही है? हटने वाली है। तो आपको अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो BR यहाँ पे जो है बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पे कहते हैं लीविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, लीविंग या फिर लीविंग न्यूक्लियोफाइल भी आप इसे कह सकते हैं। और ये यहाँ पे अटैक करने जा रही है क्योंकि इसने इसको अटैक किया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि OH नेगेटिव यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि BR नेगेटिव यहाँ पे क्या है बेटा? BR नेगेटिव जो BR यहाँ छोड़ने जा रही है वो उसे कहते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो मतलब इस रिएक्शन में एक लीविंग न्यूक्लियोफाइल है और एक यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। दोनों पर ही यहाँ पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह की जो स्टेट यहाँ पे जो फॉर्म होती है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि इन दोनों में से जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जो गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो यहाँ छोड़ के चला जाएगा इसे। अब BR यहाँ पे जो आपको दिख रही है, BR यहाँ पे इसको छोड़ के चली जाएगी, यानी कि माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BR नेगेटिव। BR नेगेटिव तो बेटा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पे यहीं रह जाएगा। तो OH को जहाँ पे वो था OH को हमने यहाँ का यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि BR यहाँ पे छोड़ के चला गया तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा कैसा हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिससे कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे जो आगे प्लेन के वो इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगी, अपने आप को कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन हो जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन का एटम बेटा यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल जो मिला हुआ बेसिकली एक एल्कोहल है और यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट भी है। दिस इज ऑल्सो आर प्रोडक्ट। ये यहाँ पे प्रोडक्ट भी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट के बारे में देखोगे तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन जो हुआ है वो किसके साथ हुआ? अभी देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियोफाइल थी मॉलिक्यूल के अंदर वो राइट हैंड साइड में थी। न्यूक्लियोफाइल कहाँ थी बेटा? राइट हैंड साइड में। और जो प्रोडक्ट जो बना हुआ उसमें जो हमारी न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जबकि जो सबसेट मॉलिक्यूल दे रखा था उसमें हमारी जो न्यूक्लियोफाइल थी वो राइट हैंड साइड में थी। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और यही है वह क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहा जाता है। मतलब कि जब कॉन्फिगरेशन उलट जाता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे पहले वो लेफ्ट हैंड साइड में थी अब वो राइट में हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी है, उसको समझते हैं। जैसे कि मान लो एक लड़का था जिसका नाम था भोलू, ठीक है, क्या नाम था इसका? भोलू। अब भोलू नाम का जो लड़का है वो रेनी सीजन में यानी कि बरसात हो रही थी, है ना, बरसात होने के टाइम पे वो यहाँ पे घर से कुछ सामान लेने के लिए छाता लेके निकला, दिस इज द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला लेके निकला तो आपको सपोज आपने देखा होगा जब बरसात होती है थोड़ी थोड़ी एयर भी आती है, मतलब हवा भी चल रही होती है, आंधियाँ भी चल रही होती हैं, तो मान लो कि अगर यहाँ पे थंडर आ रहा हो, तूफान चल रहा हो, तो अगर यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस अगर डाउन साइड से अगर वो मिलता है इसका, तो भोलू का जो अम्ब्रेला है वो कैसी शेप ले लेगा? वो कुछ इस तरह की शेप ले लेगा, इस तरह का हो जाएगा। तो भोलू का जो अम्ब्रेला पहले इस तरह का था, फिर वो अम्ब्रेला कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। और अम्ब्रेला का इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्जन।
तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की बात करेंगे, तो ये रिएक्शन जो हुई है उसमें कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। अब इम्पॉर्टेंटली सीन करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन में कितने स्टेप हुए हैं, बस यही सीखना है कि इस रिएक्शन में कितने स्टेप हुए हैं। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या है, केवल वन स्टेप है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन जो होती है इसमें केवल यहाँ पे एक स्टेप है, ओनली वन स्टेप है ना। और जो केवल एक ही स्टेप, मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन इज नोन, ऑल्सो नोन एज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इस सिंगल स्टेप में कितने कंपाउंड है, सर देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे जो सी एस थ्री बी आर है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी एस थ्री बी आर क्या है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हो कि सी एस थ्री बी आर सर आपका सबसेट मॉलिक्यूल है। क्या है, सबसेट मॉलिक्यूल। और ओ एच नेगेटिव जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे और रिएक्शन की अगर आपसे रेट निकालने के लिए कहा जाए, तो आप ये कहोगे कि हमारी जो रिएक्शन जो आपने लिखी हुई है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो हमने लिया था उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट आ रहा है ना, सबस्ट्रेट आ रहा नहीं आ रहा है, और सबस्ट्रेट के साथ साथ वहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे वो भी आ रही है। तो इस बिहाव पर यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये रिएक्शन जो है बाय मॉलिक्यूलर है, क्योंकि रिएक्शन के लिए दो कंपाउंड पर डिपेंड कर रही है, सबसेट पर डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है, दोनों पर डिपेंड कर रही है, इसलिए रिएक्शन जो है वो बाय मॉलिक्यूलर है। उसके बाद बताना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट तो फॉर्म नहीं होता, कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना है। और कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का हो जाता है इन्वर्जन। उसके बाद यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी उतना ही अटैक क्या होगा, पावरफुल होगा, और जो लीविंग ग्रुप है वो बहुत ही आसानी से इसे छोड़ के चला जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ये जो होती है वो एस एन टू रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है, दिस इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज एस एन टू रिएक्शन, ठीक है। एस एन टू रिएक्शन के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स सीखे, पॉइंट्स क्या क्या थे भाई, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक बायोमॉलिकुलर रिएक्शन भी है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है। अगर एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आपको इस रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट पता करना हो कि मतलब किस तरह के सॉल्वेंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, तो एक पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि एस एन टू रिएक्शन में किस तरह का सॉल्वेंट यहाँ यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन एस एन टू रिएक्शन, मतलब मान लो कि कोई अगर एक एस एन टू रिएक्शन है तो जो सॉल्वेंट जो होता है वो कौन सा होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बेटा यहाँ पे यूज़ होता है, पोलर अप्रोटिक, है ना, क्या होता है बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ ले सकते हैं DMF ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर एमाइड होता है, जिसे बोलते हैं DMF, है ना, डाई मिथाइल फॉर एमाइड कैसे बनाओगे, पहले यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्मेट ग्रुप बनाओगे और यहाँ पे नाइट्रोजन लेकर के यहाँ पे दो मिथाइल के ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका DMF, यानी कि डाई मिथाइल फॉर एमाइड। उसके बाद यहाँ पे DMA भी ले सकते हैं आप चाहो तो, यहाँ पे DMA इसे बोलते हैं डाई मिथाइल एसिटामाइड, और डाइमिथाइल एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये DMA होता है। तो SN2 रिएक्शन जो है फेवरेबल किस में होती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किन्हें कहते हैं, जिनके जिनमें पोलैरिटी नहीं होती है, मतलब एक प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन का मतलब होता है H+ साइन नहीं होता है, है ना, ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H+ साइन नहीं होता लेकिन पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी तो आपको दिख रही होगी, इसके अंदर पोलैरिटी है कि नहीं है, इसे सर है। नाइट्रोजन पे क्या है, नाइट्रोजन पे है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो पोलैरिटी तो है, पोलर तो है मॉलिक्यूल, लेकिन इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, इतना करने के बाद अब हम चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अब अभी हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूलर, अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाती है यूनिमॉलिक्यूलर आ जाती है। तो यूनिमॉलिक्यूलर देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है
कि यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर हमसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर कितनी होगी बेटा, वन होगी। क्या होगी बेटा? वन। एक स्टेप यहाँ पे और आते हैं इसमें, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछता है तो वो कैसे बताओगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है बेटा, वो यहाँ पे इस तरफ कार्बन जो दिख रहा है, कार्बन का जो ये जो क्राउड है, कार्बन का ये जो इन्वायरमेंट जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो इन्वायरमेंट है वो जितना कम होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से यहाँ पे अप्रोच कर सकती है। ये जो क्राउड जो है कार्बन के सराउंडिंग जितना कम होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो आसानी से यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो क्राउड है, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतनी रेट जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ऑन बिहाफ दिस यहाँ कहा जा सकता है कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर यहाँ निकालते हैं तो ये आएगा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी बेटा वो किसके लिए होगी, वो होगी मिथाइल ग्रुप के लिए होगी। किसके लिए होगी? मिथाइल ग्रुप के लिए। ओके, किसके लिए होगी? मिथाइल के लिए। मिथाइल क्या होता है? CH3। और उससे कम जो होगी वो 1 डिग्री कोई भी हेलो एल्केन है तो उसके लिए, और उससे भी कम किसकी होगी? 2 डिग्री हेलो एल्केन की, और सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री हेलो एल्केन की होगी। तो ये हो गया बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन पढ़नी है तो ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो हेलो एल्केन लिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल उसके ऑपोजिट, यानी कि वहाँ पे कैसा लेते थे? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ पे लेंगे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेंगे। जैसे कि हमने मोर स्टेरिक हिंड्रेंस में हमने ले लिया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया इस तरह से। तो टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेने के बाद यहाँ पे ये आ गया आपका BR, इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं एक न्यूक्लियोफाइल के साथ जैसे कि OH-। तो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे भी होगा। सब्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि भाई जो OH- है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये क्या करेगी? कार्बन को यहाँ पे अटैक करेगी, BR को यहाँ से हटा देगी और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना लेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। और BR को क्या कर देंगे? BR को निकाल देंगे बाहर। BR को बाहर निकाल दिया, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कंपाउंड यहाँ पे मिला इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल। और जैसे कि अभी तक कि मैंने आपको बताया है ये जो मॉलिक्यूल जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और ये क्या होता है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो SN1 है, बट हाउ वो समझते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी SN1 रिएक्शन है तो उसकी रेट जो होगी वो केवल एक ही बंदे पर डिपेंड करेगी, या तो सबस्ट्रेट पर या न्यूक्लियोफाइल पर। अब समझते हैं कि सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी या फिर न्यूक्लियोफाइल पर, लेट अस सी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो किस तरह से होती है। सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? देखो बेटा, मैकेनिज्म ये होता है कि जो हमारा टर्चरी हेलो एल्केन है ना, यानी कि CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड BR, तो ये हमारा टर्चरी ब्यूटाइल कार्बन हो गया, और यहाँ पे कौन है बेटा हमारे पास? BR। समझने वाली बात यह है कि आपको पता है कि यहाँ पे BR पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन पर क्या होता है? प्लस चार्ज। अब होता है क्या है कि स्पॉन्टेनियसली कार्बन और ब्रोमीन का ये जो बॉन्ड है ना वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होता है। अब आप ये कहोगे सर आपने ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं बताई थी, इस वाले स्टेप में आपने कार्बन और BR के बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा था? अगर मान लो कि यहाँ पे मैं बॉन्ड अगर ब्रेक कर देता, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर देता तो यहाँ पे सिचुएशन ये मिलती, ये मिलता यहाँ पे कार्बन का आइटम यहाँ लेता है। यहाँ ले लिया हमने कार्बन का आइटम ले लिया इस तरह से, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हमने यहाँ पे लिया कार्बन का एटम लिया, और कार्बन के एटम को 3 हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा कार्बन का जो एटम दिया था अगर वहाँ पे उस पर से ब्रोमीन हटा दिया जाता तो कार्बन पे आता प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने के बाद इसके पास थे हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम थे,
यानी कि यहाँ पे बनता आपका 1 डिग्री कार्बो कैटाइन। क्या बन जाता बेटा? 1 डिग्री कार्बो कैटाइन। और आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है और उसमें ये पढ़ा था कि 1 डिग्री कार्बो कैटाइन जो है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। कैसा होता है? वेरी अनस्टेबल। तो वेरी अनस्टेबल होने की वजह से हमने उस कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ने की नहीं सोची थी, लेकिन हम यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को तोड़ने की सोच सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रोमीन टूटने के बाद, मतलब लोन ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन ब्रोमीन के बीच का, ये बॉन्ड टूटने के बाद बीआर पे ट्रांसफर होगा, जैसे कि यहाँ बीआर दिख रहा है, और यहाँ पे कार्बो कैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये वाला कार्बो कैटायन यहाँ फॉर्म हो सकता है। क्योंकि 3 डिग्री हेलोएल्केन या 3 डिग्री हेलोएल्केन में जो 3 डिग्री कार्बो कैटायन यहाँ पे जो बनता है वो स्टेबल है। तो देखो, एक कार्बन ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो तो जब बीआर चला जाएगा तो जहाँ भी स्पेस मिलेगा तो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। ये हमने यहाँ पे सीएसए ले लिया और यहाँ पे क्या मिल गया? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने के बाद बेसिकली आपको पता है दिस इज द 3 डिग्री कार्बो कैटायन। और 3 डिग्री कार्बो कैटायन जो होता है बेटा, 3 डिग्री कार्बो कैटायन की अगर हम बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बो कैटायन स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बो कैटायन कैसा होता है? स्टेबल होता है, है ना। और यहाँ प्लस करके साइड कंपाउंड क्या बाहर निकला है? साइड कंपाउंड सर जो लीविंग ग्रुप था ना वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप वन की बात करेंगे, मतलब हमने इसे स्टेप नंबर वन दिया है, और स्टेप नंबर वन में क्या होता है कि कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। आप अब बेटा ध्यान रखो कि स्टेप वन जो होता है उसमें कार्बो कैटायन का क्या होता है? फॉर्मेशन, कार्बो कैटायन बनता है। अब कार्बो कैटायन किसे बना है भाई? किसी भी अटैच से तो बना नहीं है, अपने आप ही बना हुआ है। और जो भी स्टेप अपने आप होता है वो कैसा होता है? स्लो होता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। और अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी हुई है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्लो स्टेप जो होता है वो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि जो यहाँ रेट डिटरमाइन होगी तो रेट में केवल यही स्टेप काम करेगा। तो अगर आप इस स्टेप में देखोगे तो इस RDS में, यानी कि रेट डिटरमाइन स्टेप में, जो हेलोएल्केन में आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अभी एंट्री नहीं हुई है, केवल कौन सा मॉलिक्यूल है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ओनली वी हैव सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगी। तो इसलिए ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूल होती है। तो ये स्टेप वन हो गया। अब यहाँ पे स्टेप टू की बात करेंगे तो स्टेप टू में क्या होता है कि जो हमारा कार्बो कैटायन था ना, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कैटायन, ये वाला, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कैटायन। अब इस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो कैटायन में बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करना है वो किस डायरेक्शन से करना है? फ्रंट साइड से करना है कि रियर साइड से करना है? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो किसी भी साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है और रियर साइड से भी हो सकता है। तो मान लो कि अगर मैं अपने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को जैसे कि यहाँ लेके आता हूँ, दिस इज द OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव है। तो अगर ये OH नेगेटिव चाहे तो कार्बो कैटायन को फ्रंट साइड से यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। सो दिस इज फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर यही चाहे तो यहाँ पे रियर साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दिस इज द अटैक फ्रॉम द रियर साइड। तो अगर यहाँ पे फ्रंट और रियर अगर दो साइड से अटैक हो रहा है तो एक बात कंफर्म है कि प्रोडक्ट भी यहाँ पे दो मिलने चाहिए ना। एक तो कौन सा वाला मिलेगा? मान लो कि फ्रंट साइड से अटैक किया, तो अगर ये यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, है ना। तो ऐसा होने से क्या होगा? सर ऐसा होगा, अगर यहाँ पे फ्रंट अटैक हुआ तो फ्रंट अटैक से जो मिथाइल ग्रुप हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के, बेंट होकर के, मुड़ करके यहाँ पे इस साइड में आ जाएंगे इस तरह से, और जो OH नेगेटिव जो है वो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर रियर साइड से अटैक हुआ तो ये सी एस थ्री इस साइड में आ जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो एक कंपाउंड जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा OH यहाँ पे है और यहाँ पे है C, और एक सी एस थ्री बेटा यहाँ पे रहेगा और एक सी एस थ्री यहाँ रहेगा और एक सी एस थ्री यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिलते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे देखो ये कंपाउंड जो मिला है वो किस अटैक की वजह से मिला है? ये मिला है बेटा आपके फ्रंट अटैक की वजह से, और ये कंपाउंड जो मिला है वो किस अटैक की वजह से मिला है? रियर अटैक की वजह से। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करना है अपने ओरिजिनल कंपाउंड के साथ। तो देखो आपके ओरिजिनल कंपाउंड में, यानी गिवन कंपाउंड जो था उसमें आपकी जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट हैंड साइड में दी गई थी। कहाँ दी गई थी बेटा? राइट हैंड साइड में, है ना। और हमें जो कंपाउंड मिले हैं इसमें, इस वाले कंपाउंड में जो OH है वो भी राइट हैंड साइड में। तो अगर हम बात करेंगे कि इन दोनों का जो कॉन्फिगरेशन है वो एक जैसा ही दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बेटा? एक जैसा, क्योंकि दोनों में जो न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन है ना वो सेम है। तो जब न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन जब सेम होती है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन, यानी कि जब सेम कॉन्फिगरेशन मिले। तो देखो अगर आप देखोगे कि इसका जो OH नेगेटिव है, मतलब इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड है, और यहाँ पे भी जो बीआर था वो राइट साइड था, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद साइड चेंज नहीं हुई है न्यूक्लियोफाइल की, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड था और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड है।
तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं रिटेंशन। और यहाँ पे जो ओ एच है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है इसे हमने कहा था इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। तो अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है, ये वाला जो स्टेप जो होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। अब फास्ट क्यों है सर, बताइए फास्ट क्यों है? फास्ट इसलिए है, और ये स्टेप नंबर टू है। फास्ट सर बेटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। और नेगेटिव का पॉजिटिव से जो अप्रोच होता है, अटैक जो होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेप तो भाई अपने आप हुआ था, अपने आप ही यहाँ बॉन्ड फ्यूज हुआ था, अपने आप बॉन्ड फ्यूज हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे दिक्कत होगी, स्लो होगा, धीमे धीमे होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव से अटैक होगा वो तो आसानी से हो जाएगा। तो जब अटैक यहाँ पे आसानी से होगा तो समझ में आ जाएगा भाई ये जल्दी होगा, ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा। अब फास्ट वाले को कंसिडर करते नहीं है, जो कैमिल कैनेटिक है फास्ट स्टेप को लेती नहीं है, किसको लेती है, स्लो स्टेप को लेती है। और स्लो स्टेप में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था, वहाँ पे कौन आया था, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आया था, सॉरी सबस्टेट मॉलिक्यूल आया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो केवल किस पर डिपेंड करेगी बेटा, केवल और केवल सबस्टेट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ सबस्टेट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस बिहाफ पर रिएक्शन की जो ऑर्डर यहाँ पे जो होगी वो कितनी होगी, वन होगी। और ऑर्डर जब वन होगी बेटा तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ लिखना चाहें, SN1 रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें तो कौन कौन से होंगे। तो SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने सीखा इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, मतलब ये जो होती है वो दो स्टेप्स में होती है। इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप यानी कि ये दो स्टेप में होती है, पहली बात, ठीक है, ये दो स्टेप में होती है। पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। और दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल का बेटा अटैक होता है दूसरे स्टेप में, ठीक है। अगर हम पॉइंट नंबर टू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब इन्वर्जन भी मिले और रिटेंशन मिले तो उसे बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन फॉर्म्ड, मतलब यहाँ पे रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा और इन दोनों का यहाँ पे मिक्सर मिलेगा, उसे बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है, इन्वर्जन जो प्रोडक्ट होता है उसकी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इट विल बी, एंड द रिटेंशन वाला जो होता है वो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। अगले पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पॉइंट नंबर थ्री है, तो यहाँ पे क्या बताया, एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, कार्बोकैटायन। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, किसमें, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट जो यूज होगा बेटा वो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, कौन सा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा यहाँ पे यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके रिगार्डिंग थे, ये SN1 के रिगार्डिंग बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन इंटरनली होगा, मतलब कि इंटरनल का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो होगी वो अंदर से ही काम करेगी, बाहर से कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगी, इंटरनली यहाँ पे सब कुछ होगा, सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो इंटरनली होगा, और वो कैसे होगा वो समझते हैं, ठीक है। सो लेट बिगिन। इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कुछ इस तरह का हेलो एल्केन दिया जाए, जैसे कि RCH2X टाइप का, है ना, अगर आपको इस तरह का जब हेलो एल्केन दिया जा रहा है और इस हेलो एल्केन की रिएक्शन कभी भी अगर आपको कभी भी दिखे, अगर आपको दिख जाए कि इसकी रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हो रही है या फिर यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड के साथ यहाँ पे हो रही है, तो बिना टेंशन के समझ जाओ, जस्ट वेट, ये हेलो एल्केन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपका एल्कोहल, क्या आएगा बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है। तो मतलब आपको एक एल्कोहल दिया गया था और एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हो या हम SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो कभी भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना, हमेशा यहाँ पे SNI रिएक्शन होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन होगी।
उसमें क्या होगा कि जो सी एल है ना वो इस ओ एच को यहाँ से इंटरनली यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देगा, और सब्सिट्यूट करने के बाद यहाँ मिलेगा आपको आर सी एच टू और यहाँ पे सी एल, मतलब बेसिकली हेलो एल्केन बनेगा, सेम कंपाउंड यहाँ बनेगा आर और यहाँ पे सी एच टू और सी एल। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करने में ये बहुत काम में आएंगी। और वो क्या है, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन जो है PCl5 या SOCl2 से कराएंगे तो वहाँ पे हेलो एल्केन्स बनते हैं। आपको याद रखना है कि PCl5 के केस में जो साइड कंपाउंड होंगे वो हमेशा याद रखो कॉमन रहते हैं, एक तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी कि POCl3 बनता है और एक HCl बनता है, और SOCl2 के केस में जो साइड कंपाउंड होते हैं वो होता है बेटा आपका SO2 और HCl यहाँ बनता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो होती हैं वो SNI रिएक्शंस यहाँ पे कहलाती हैं, SNI रिएक्शंस बेटा आप लोग इनको कहते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको एक मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ समझते हैं कि आखिरकार इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है वो समझते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए यहाँ पे चलते हैं। मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है, दिस इज द हेलो एल्केन, सॉरी एल्कोल, एल्कोल लेंगे ना, है ना, एल्कोल ले लिया। अब एल्कोल लेने के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किससे कराएंगे, जैसे कि मान लो दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं, तो हमने बेसिकली यहाँ पे SOCl2 ले लिया, और SOCl2 के स्ट्रक्चर आप जानते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, और एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे होगा और एक क्लोरीन का एटम यहाँ होगा। अगर आप यहाँ देखोगे कि भाई यहाँ पे सल्फर की परेशानी को समझो, भाई सल्फर के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे है और एक हाईली इलेक्ट्रो एटम यहाँ पे है और एक हाईली इलेक्ट्रो एटम यहाँ पे है, तो कार्बन सल्फर के एटम पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कमी होगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, है ना। इतने में यहाँ पे अल्कोहल को मौका मिल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होती है, तो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से इसको यहाँ पे मौका मिल जाता है और ये सल्फर को अटैक कर देता है। सल्फर को अटैक करने पर यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये ब्रेक होकर के कहाँ पहुँच जाता है, क्लोरीन के एटम पर पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल होता है और यहाँ पे सिचुएशन जो है कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे अभी जो रिमूवल हुआ है वो यहाँ पे Cl नेगेटिव का हुआ है, Cl नेगेटिव। अब आगे की सिचुएशन ये है कि ये था सिचुएशन ये थी कि ये कुछ इस तरह की यहाँ पे आपकी पांच कार्बन की चेन थी और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एटम था, ऑक्सीजन के एटम के पास अपना एक खुद का एक हाइड्रोजन एटम था, सभी को पता है एक एच एटम था, और अभी लेटेस्टली ये किसके साथ अटैच हुआ है, सल्फर के साथ, और सल्फर के साथ अपना एक ऑक्सीजन का एटम है और एक यहाँ पे क्लोरीन का एटम है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, क्योंकि उसी ने तो इलेक्ट्रॉन दिया था, ऑक्सीजन पर क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनली जो सी एल नेगेटिव, मतलब ये इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं बाहर से नहीं मंगाई जा रही है, ये अंदर से यहाँ पे निकली और यहीं पे यूज होगी, तो जो सी एल नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहीं पे इस वाले कार्बन को यहाँ पे अटैक करने की सोचेगी, क्यों सोचेगी, क्योंकि भाई ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है, और जब किसी पेड़ की टहनी पर आम यानी कि बहुत ज़्यादा राइप हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वो टूटने की सोचता है, वैसे ये जो ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर हो चुका है ना, कैसा हो चुका है, स्टेरिकली हिंडर यहाँ पे पार्ट यहाँ पे बन गया है, सो दिस इज स्टेरिकली हिंडर पार्ट, तो ये यहाँ ब्रेक होने की सोचेगा, तो ब्रेक होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना पहले, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये यहाँ पे कार्बन को यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास जैसे यहाँ पहुँचेगा तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे पहले तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ मिल जाएगा, और वो कौन है, वो है सर यहाँ पे ये पांच कार्बन की सर ये चेन थी, फाइनली यहाँ पे क्लोरीन ने यहाँ पे अप्रोच किया तो ये क्लोरीन यहाँ पे आ गया, और अभी जो साइड कंपाउंड जो बचा हुआ वो बचा हुआ है, एक तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ये Cl है। अभी क्या पता है, देखो यहाँ पे एल्कोहल का यहाँ पे Cl पार्ट निकला था, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे रीअरेंज होगा, मतलब हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूवल होगा, रिमूवल होने के बाद यहाँ पे क्या होगा HCl बनेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा SO2 रह जाएगा, तो बेसिकली कुछ इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो SNI मैकेनिज्म यहाँ पे कहलाती है, और SNI मैकेनिज्म का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए होता है, किसके द्वारा, एल्कोहल, तो एल्कोहल की ट्रीटमेंट जब भी PCl5 से या SOCl2 से होती है तो वहाँ पे क्या बन के आते हैं, वहाँ बन के आते हैं हेलो एल्केन। सो दिस इज ऑल अबाउट द SNI रिएक्शन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट हमने पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो तीन तरह का होता है, SN1 होता है, SN2 होता है और SNI होता है, तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या, इसे हम लोग बोलते हैं SNI रिएक्शन, SN1 हो गया और SN2 हो गया। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं आगे कुछ रिएक्शंस हमारे पास और भी हैं जो कि हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब एलिमिनेशन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव, एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना, टू रिमूव ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स को या मॉलिक्यूल्स को हटाना ही कहलाता है एलिमिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? एलिमिनेशन कहलाता है। तो स्मॉल ग्रुप्स को या स्मॉल मॉलिक्यूल को हटाना ही क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। अब जब बेटा एलिमिनेशन की जब बात हो ही रही है, तो एलिमिनेशन जब भी होता है तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि एलिमिनेशन करने के लिए एक एजेंट यूज होता है, जिसे बोलते हैं एलिमिनेटिंग ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमिनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ओके, देखो बेटा, जैसे कि मान लो कि आपको एक कंपाउंड के बारे में सीखना होगा, दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। मान के चलो कि इस कंपाउंड को मैंने पानी में डिजोल्व किया, तो पानी में डिजोल्व करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगा एक्वेयस। क्या बन जाएगा? एक्वेयस, यानी कि एक्वेयस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लाइफ टाइम हमेशा ध्यान रखो कि जो एक्वेयस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इट विल कॉजेज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है बेटा। क्या देता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन देता है? एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और भी होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? एस होती है। अगर मान लो कि इसे हमने एल्कोहल में डिजोल्व किया, मतलब इस बार पानी नहीं है, इस बार क्या है बेटा हमारे पास? एल्कोहल है। एल्कोहल को अगर एक सॉल्वेंट की तरह यहाँ यूज करते हैं, सो दिस इज एल्कोहल, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी? एल्कोहलिक हो जाएगी। तो जो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, इसका काम होता है एलिमिनेशन करना। क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल कॉजेज द एलिमिनेशन। क्या करेगा बेटा? ये एलिमिनेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है, बात क्लियर है। एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर से एक बात तो समझ में आती है कि भाई एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर है तो मतलब रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी, है ना, पहले भी हमने बात करी थी ना, रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी? टू होगी बेटा। रिएक्शन की ऑर्डर यहाँ पे क्या होगी? टू होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, है ना। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो लेट्स सी, ठीक है। देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कंपाउंड था, एक हेलो एल्केन हमें यहाँ पे लेना है, वो देखो जरा। जैसे कि बेटा मान के चलो कि हमने यहाँ पे एक 3 डिग्री का हेलो एल्केन ले लिया, ये वाला, ये हमारे पास एक 3 डिग्री का हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएगी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा वाला? एल्कोहलिक वाला। तो एक बात तो कन्फर्म है कि एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन क्योंकि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस वजह से, है ना बेटा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एलिमिनेशन कहाँ से समझ में आया कि एलिमिनेशन होगा? वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कोहलिक मीडियम में था उसकी वजह से। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और मीडियम जो था वो कौन सा था? एल्कोहलिक। अब देखो, Br जिस कार्बन एटम से अटैच है उसे क्या मानेंगे? अल्फा कार्बन मानेंगे उसे। क्या मानेंगे बेटा? अल्फा। क्या मानेंगे बेटा इसे? अल्फा कार्बन मानेंगे। और उसके बराबर में जो कार्बन एटम जो होता है वो क्या होता है? बीटा होता है। अब देखो, आप इसे ही बीटा क्यों मान रहे हो? आप इसे ही बीटा मान सकते थे, आप इसे भी बीटा मान सकते, लेकिन ये सारे कार्बन एटम सिमेट्रिक पोजीशन पे हैं, तो इनमें से बीटा किसी को भी मान सकते हैं। तो क्या होगा कि अल्फा कार्बन से तो बीआर एलिमिनेट होगा, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का एटम एलिमिनेट होगा, तो अल्टीमेटली जो रिमूवल होगा वो किसका होगा? एचबीआर का, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बीआर, तो वहाँ से हाइड्रोजन, वहाँ से बीआर जब हटेगा तो अल्टीमेटली बनेगा क्या सर? यहाँ पे तो रह जाएगा आपका CH2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन बिटवीन कार्बन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एक CH3 यहाँ बचेगा और एक CH3 यहाँ बचेगा, और HBr का रिमूवल हो गया। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे? आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटेन। अब जैसे कि एक चीज़ और आती है, देखो अब क्योंकि बायोमोलिकुलर पढ़ रहे हैं तो बायोमोलिकुलर के लिए एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो देखो जरा, क्योंकि आप बायोमोलिकुलर में और यूनिमोलिकुलर में थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, क्योंकि बायोमोलिकुलर कर रहे हैं तो आप देखो थोड़ा सा एक डिबेट और हो जाए। देखो जरा, एक डिबेट आती है बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। बेस में और एक न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है वो बात करते हैं। देखो बेटा, बेस और न्यूक्लियोफाइल देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो देखो जरा। बेस जो होते हैं बेटा, दीज आर स्टेरिकली हिंडर, मतलब ये स्टेरिकली हिंडर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हिंडर। और ये जो हैं वो लेस क्राउडेड होते हैं। क्या होते हैं? लेस
क्राउडेड, मतलब ये इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, जैसे कि CN नेगेटिव हो गया, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, जैसे कि Br नेगेटिव हो गया, जैसे कि I नेगेटिव। तो लेस क्राउडेड नेगेटिव पार्ट जो होता है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और स्टेरिकली हिंडर पार्ट, जैसे कि मान लो कि हमारे पास है मीथॉक्साइड CH3O नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग कार्बन है और कार्बन के सराउंडिंग भी क्या है तीन तीन हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा मोर क्राउडेड हो गया, और मोर क्राउडेड फाइल जो होती है इट विल एक्ट एज अ बेस, है ना, बेस की तरह काम करती है। अब दूसरी बात यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया इथॉक्साइड ले लिया, इथॉक्साइड यानी कि C2H5O नेगेटिव, अब ये दो से ही बड़ा हो गया। अब हमने यहाँ पे ले लिया आइसोप्रोपोक्साइड ले लिया, आइसोप्रोपोक्साइड क्या होगा CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे CHO नेगेटिव, तो इन सारे स्पीसीज को जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है इन सबको यहाँ पे क्या कहा जाएगा बेस, और इनको क्या कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंडर है और ये मोर स्टेरिक हिंडर है। अब देखो इस रिएक्शन में सपोज करके चलते हैं कि हम यहाँ पे एक मोर क्राउडेड यहाँ पे फाइल लेने वाले हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है मीथॉक्साइड आयन के साथ कराई, मीथॉक्साइड आयन। अब देखे ही समझ में आ गया कि भाई मीथॉक्साइड आयन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी या फिर बेस की तरह, तो आपको पता है कि ये यहाँ पे बेस की तरह काम करेगी, है ना। अब मान लो कि बेस जो है इसको यहाँ पे किस तरह से चीज़ें एलिमिनेट करता है वो यहाँ समझते हैं, एलिमिनेशन जो यहाँ पे होगा वो किस तरह से होगा लेट डिस्कस। तो हमने यहाँ पे लिया बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के लिए ये जो बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन के जो ये तीन हाइड्रोन एटम जो दिख रहे हैं इनको दिखा लिया, देखो जरा एक हाइड्रोन एटम यहाँ पे आ गया, कार्बन एटम, हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम। उसके बाद बीटा कार्बन के पास ये वाला कार्बन एटम आ जाएगा, ये कार्बन लिख लिया। इस कार्बन के पास अभी दो मिथाइल ग्रुप और भी हैं, तो हमने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिखा दिया CH3 और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ दिखा दिया CH3 और एक यहाँ पे दिखा दिया हमने अपना BR। BR के बाद में बारे में हमें प्रीवियस नॉलेज ये है कि जो हमारा जो BR है बेटा वो क्या है, ये सर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। कैसा है बेटा यहाँ पे लिविंग ग्रुप, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ना। अब यहाँ पे जो बेस होगा, अब बेस में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भाई जो बेस आए और बेस डायरेक्टली अटैक कर दे कार्बन को, क्योंकि इस बार भाई सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना करना है, इस बार तो हमें क्या करना है एलिमिनेशन करना है, क्योंकि बेस एलिमिनेशन करवा पाते हैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। और मान लो कि यहाँ पे अगर आप मीडियम लोगे, मीडियम जैसे कि अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट और चाहिए, तो सॉल्वेंट के तौर पर यहाँ पे आप CH3OH यहाँ पे ले सकते हो। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्टेप पर ध्यान से समझना, आपको पता होना चाहिए दिस इज द बेस, ये यहाँ पे बेस है बेटा, है ना। अब बेस क्या करेगा, बेस डायरेक्टली BR को अटैक नहीं करता, पहले यहाँ पे अल्फा बीटा डेजिग्नेशन बनाई जाए, भाई BR जिस कार्बन से अटैच है वो तो क्या हो गया अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा के रेस्पेक्ट में ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब यहाँ पे बीटा के पास जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो भी बीटा हाइड्रोजन एटम है, तो बेस क्या करता है सबसे पहले अप्रोच करता है बीटा हाइड्रोजन को, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती हैं उनमें हमारा बेस सबसे पहले अप्रोच करता है बीटा हाइड्रोजन को। बीटा हाइड्रोजन से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के कार्बन और कार्बन के बीच पहुँचता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के कहाँ पहुँचता है BR के पास। अल्टीमेटली क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने वाली है, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा वो देखो जरा, सर ये हो रहा है देखो जरा, हमारा जो बेटा बेस था CH3O नेगेटिव ये अप्रोच कर रहा है किसको अप्रोच कर रहा है बीटा हाइड्रोजन को, किसको अप्रोच कर रहा है बीटा हाइड्रोजन को, हमारा जो बेस है वो बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब बीटा हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है थोड़ा दिखाते हैं जरा, ये वाला कार्बन था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ पे था, इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे BR था। अब हम यहाँ पे ये दिखाने वाले हैं कहाँ कहाँ बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाले हैं और कहाँ कहाँ फॉर्म होने वाले हैं। तो देखो क्योंकि CH3 ने बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच किया था तो इसके बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड ये बनने वाला बॉन्ड है और ये ब्रेक होने वाला बॉन्ड है, और जब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ एंटर किया था तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड और बनने वाला है और इसके बीच का बॉन्ड यहाँ ब्रेक होने वाला है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे कितने ऑपरेशन एक साथ होंगे, ये जो बॉन्ड है ये तो बनने जा रहा है, ये ब्रेक होकर के यहाँ पे ये ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के यहाँ पहुँचेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पहुँचेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि जो एलिमिनेशन जो होगा वो BR का एलिमिनेशन हो जाएगा, BR यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। CH3O जो है वो H को अपने साथ ले जाएगा और H को अपने साथ ले जा करके क्या बना लेगा CH3OH बना लेगा और BR नेगेटिव यहाँ से अलग निकल जाएगा। अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनने के साथ यहाँ पे ये होगा इस तरह से, ये सिचुएशन होगी बेटा ये वाली, ये सिचुएशन।
तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब ये देखो कि ये रिएक्शन जो हुई है वो कितने स्टेप में हुई है, तो आपको दिखेगा कि ये स्टेप, ये रिएक्शन जो हुई है वो तो केवल एक ही स्टेप में हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म तो हुआ ही नहीं, बल्कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट और फॉर्म हुई है ये वाली। अगर आप इसे नोटिस डाउन करोगे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ये यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ये यहाँ पे बेटा ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है, और ये रिएक्शन जो हुई है वो केवल एक ही स्टेप में हुई है, एक ही स्टेप है ना। बस क्या हुआ, पहली बार में बेस ने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, और अप्रोच करने के बाद वहाँ पे एक साथ यहाँ पे अप्रोचिंग हुई और एच बी आर का यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ। इस वजह से ये जो रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्शन की जो रेट है एक तो डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, जो भी हमारा सबस्ट्रेट था, एक तो उस पर डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ डिपेंड करेगी बेटा किस पर डिपेंड करेगी, बेस पर भी डिपेंड करेगी। तो बेस और सबस्ट्रेट दोनों पे क्योंकि डिपेंड कर रही है, तो इस तरह की रिएक्शन की जो रेट होगी, ऑर्डर जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, टू निकल के आएगी। ऑर्डर यहाँ पे कितनी आएगी, टू आएगी। ठीक है, कितना ऑर्डर आएगा बेटा, यहाँ पे टू ऑर्डर आएगा, क्योंकि देखो वन यहाँ से आया, वन यहाँ पे, तो ऑर्डर जो होगा बेसिकली यहाँ पे कितना होगा, टू होगा, टू ऑर्डर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि यहाँ पे एक सिचुएशन और आ जाती है, वो जरा समझो जरा, एक यहाँ पे दो रूल पढ़ा जाते हैं, एक देखो जरा, तो ध्यान रखना है कि एक रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिटजेफ रूल कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सिटजेफ रूल, और एक होता है बेटा हमारे पास हॉफमैन रूल होता है, क्या होता है, हॉफमैन रूल, एक सिटजेफ रूल होता है और एक कौन सा होता है, हॉफमैन रूल होता है। अब सिटजेफ रूल और हॉफमैन रूल का यूज़ कब और कहाँ होता है वो समझते हैं। मान लो बेटा कि आपने एक एलिमिनेशन रिएक्शन की, और उस एलिमिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एल्कीन बनते हैं, मतलब दो एल्कीन बने, तो उसमें से कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा ये पता कैसे लगाएं, वो सिटजेफ रूल से और हॉफमैन रूल से पता लगता है। सिटजेफ का ये कहना था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि सिटजेफ का ये मानना था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, और हॉफमैन का ये कहना था लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो बेटा हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, यानी कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होती है, ये ध्यान रखना है। अब आप ये देखोगे कि सर यहाँ पे तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रूल जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी कंडीशन कुछ और है, ऐसी कुछ कंडीशन और है, वो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, देखो जरा, मान के चलो कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे एक हेलो एल्केन है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे यहाँ BR ले लो, BR ये। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होती है और लेस कौन सी होती है, वो भी बताता हूँ। देखो जरा, एल्कीन एक बात तो कंफर्म है, कार्बन बिटवीन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब मान लो कि इसके पास यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि इस एल्कीन सिस्टम कहाँ है, एल्कीन सिस्टम बोलेंगे तो ये रहा एल्कीन सिस्टम। इस एल्कीन सिस्टम में दोनों कार्बन के पास कुल मिलाकर के कितने अल्काइल ग्रुप हैं, फोर अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये फोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और अगर हम एक एल्कीन कुछ ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कि एल्कीन सिस्टम ऐसा है, कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो अगर यहाँ देखोगे तो इसका जो एल्कीन सिस्टम है वो कहाँ है, वो ये रहा, इसका एल्कीन सिस्टम बेटा यहाँ पे है, तो एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, तो मतलब यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, थ्री हैं, तो यहाँ पे थ्री अल्काइल ग्रुप हैं, और यहाँ पे कितने हैं, फोर अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये वाली जो एल्कीन होगी ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, और ये वाली जो एल्कीन होगी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब जिसके पास जितने लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे वो मोर सब्स्टिट्यूट होगी, और जिसके पास कम होंगे वो लेस सब्स्टिट्यूट होगी। इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं बेटा, ये पढ़ने के बाद ये आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक हेलो एल्कीन लिया है, नो डाउट सबको पता है कि हेलो एल्कीन है, ओके। ये हेलो एल्कीन लेने के बाद एलिमिनेशन करने के लिए इसमें क्या डालेंगे, बेस डालेंगे।
सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाला मीथॉक्साइड, मीथॉक्साइड आयन यहाँ पे एक बेस के रूप में मैंने यहाँ यूज किया, ठीक है। अब सभी को पता है कि भाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, Br जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो बीटा पोजीशन होती है। तो अगर आप नोटिस डाउन करोगे तो यहाँ पे दो बीटा पोजीशन है और दोनों ही बीटा पोजीशन डिफरेंट है, ये बीटा पोजीशन अलग है और ये बीटा पोजीशन अलग है, दोनों ही बीटा पोजीशन अलग अलग है बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो होगा ये कि अभी एक एक करके दोनों बीटा पोजीशन से यहाँ पे एच एलिमिनेट हो सकता है। मान के चलो कि अल्फा से तो बी आर जाने जाना है, एच यहाँ से जाता है, तो अगर एच यहाँ से जाएगा तो कंपाउंड यहाँ पे ये मिलेगा सी एच थ्री, और यहाँ पे देखो बेटा सी एच टू, और यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बेटा सी एच टू। तो यहाँ से यूज कर लिया, अभी मान लो कि यहाँ से करना है, यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी एच थ्री, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे सी एच थ्री। तो आपने देखा कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हुई और दोनों पॉसिबिलिटीज में दो एल्कीन बनी हुई हैं। अब पता करना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला होगा, दोनों में से कोई भी एक एल्कीन बनेगी, है ना, कोई भी एक एल्कीन बेटा यहाँ बनेगी, या फिर ये या फिर ये। अगर हम मान के चलें कि हमारा जो जो भी कंसर्न जो कह रहा है कि अगर हम ये देख के चलेंगे कि हमारा एल्कीन सिस्टम ये है, देखो एल्कीन सिस्टम यहाँ से यहाँ तक है ना, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है लेकिन अल्काइल ग्रुप एक भी नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है लेकिन एक अल्काइल ग्रुप है ना, इसके पास देखो एल्कीन सिस्टम आपका यहाँ से यहाँ तक है, इस वाले कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है और इसके पास भी एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है ना, तो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है तो ये वाली जो एल्कीन जो होगी वो कैसी होगी, ये वाली जो एल्कीन होगी वो होगी मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी बेटा, कैसी होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये वाली जो एल्कीन होगी वो कैसी होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, कैसी होगी बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। और अभी हम पढ़ के आए कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो क्या होती है, सिटजेफ होती है, तो मतलब अगर इसे कहा जाए तो आपके अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे सिटजेफ प्रोडक्ट है, क्या होगा बेटा, सिटजेफ प्रोडक्ट, सिटजेफ प्रोडक्ट है, और ये वाली जो एल्कीन यहाँ जो बनी हुई है वो है हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। इतना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन डाउट अभी का अभी वही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता पड़ा ना कि ये बनेगी कि ये बनेगी, मेजर प्रोडक्ट अभी भी नहीं पता ना, ना तो ये है कि ये पता ही नहीं होता अभी किसी को। तो अभी बेसिकली पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और फिर इसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि इस वाले केस के लिए, इस कंपाउंड के लिए जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा प्यारे बच्चों वो ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, क्यों होगा अभी थोड़ी देर बताएंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ये होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा, कैसा होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मान लो कि अगर ये इसका जो परसेंटेज ऑफ यील्ड होगा 60% है तो ये 40% बनेगी, मतलब ये माइनर है और ये मेजर है। अब ये पता कैसे लगाते हैं कि भाई मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा, मतलब कि सिटजेफ एल्कीन कब बनती है और हॉफमैन एल्कीन कब बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द टू एल्कीन्स यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बेस, बेस पे बेटा फोकस करना होता है, बेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो फोकस करना है वो बेस को फोकस करना है, किसको फोकस करना है बेटा, बेस को। अगर हमारा बेस लेस क्राउडेड है ना बेटा, बेस अगर लेस क्राउडेड है, ये ध्यान रखना होता है, अगर हमारा बेस लेस क्राउडेड है तो ध्यान रखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, और अगर हमारा बेस मोर क्राउडेड होता तो ध्यान रखना है कि वहां पे हॉफमैन जो प्रोडक्ट होता है, लेस क्राउडेड एल्कीन जो होती है उसका परसेंटेज यील्ड जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर मैं यही बात करूं कि अगर सेम एल्कीन में, अगर इस सेम एल्कीन में अगर मैं बेस मोर स्टेरिकली हिंडर डाल देता, जैसे कि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप डाल देता, ये वाला, अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप अगर मैं डालता तो आपको पता है कि ये जो बेस है ये कैसा है, मोर क्राउडेड बेस है बेटा, कैसा है, मोर क्राउडेड बेस है, दिस इज द मोर क्राउडेड बेस बेटा। ऊपर वाला जो बेस था वो लेस क्राउडेड था, ये जो बेस बेटा आपको दिख रहा है ये मोर क्राउडेड बेस है, कैसा है बेटा, मोर क्राउडेड बेस। तो प्यारे बच्चों, जब मोर क्राउडेड बेस हो, कैसा हो बेटा, मोर क्राउडेड बेस जब होता है तो ध्यान रखना है वहां पे कौन सी एल्कीन बनेगी, हॉफमैन एल्कीन बनेगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि एलिमिनेशन जो कराया जा रहा है वो किस तरह के बेस की प्रेजेंस में कराया जा रहा है। अगर हमारा बेस लेस क्राउडेड है तो वहां पे सिटजेफ एल्कीन बनेगी, और अगर हमारा बेस मोर क्राउडेड है तो वहां पे हॉफमैन एल्कीन बनेगी। तो इस तरह से हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि जब एल्कीन में जब कंफ्यूजन हो तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा एल्कीन बनेगा।
अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सभी को यहाँ दिख रहा होगा। ओजोन की बात करते हैं। ओजोन, ओजोन सभी जानते हैं, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लेक्टेड बाय, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, इसको समझते हैं बेटा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि मान के चलो कि ये बेटा हमारे एक अर्थ सर्फ, ये अर्थ है, ठीक है, ये हमने बेटा अर्थ ले लिया, ठीक है, ये अर्थ ले लिया। अर्थ लेने के बाद मान लो कि हम किसी भी एक सरफेस पर, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये एक सरफेस पर हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि हम सरफेस पे रहते हैं, आपको पता है, ठीक है, सरफेस पर यहाँ रह रहे हैं, और ये यहाँ पे हाइट है, ये कुछ हाइट वो बता रही है, जैसे कि जस्ट स्टॉप, ये हाइट को दिखा रही है। आपको पता है कि हमारी अर्थ सरफेस से थोड़ा सा दूर जा करके क्या होता है, सन होता है, सभी को पता है ये सन है, ठीक है, मान के चलो कि सन है, ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास, सन है, मान के चलो कि सन है, और ये अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस पर क्या होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स है ना, और ह्यूमंस एलिमिनेश एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने ये बना लिया भाई, ये ट्री है, ठीक है, ये यहाँ पे हम अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ह्यूमंस भी हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो सन होता है, और ये तो आपको पता ही, हम कहाँ पे हैं, हम हैं सर अर्थ पे हैं। तो क्या होता है कि आपको ये तो पता ही होगा कि सन से हमारे यहाँ सरफेस पर लाइट आती है, जिसे बेसिकली कहा जाता है सनलाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सनलाइट, क्या बोलते हैं बेटा, सनलाइट, इसे सनलाइट कहते हैं। अब बेसिकली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, और वो क्या है, आपको ये पता होना होगा कि हमारे सरफेस पर, मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस होता है, अगर अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर अगर हम जाते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर स्टार्टिंग करते हैं 23 किलोमीटर की हाइट पर अगर जाते हैं, तो यहाँ पे एक ओजोन गैस की एक लेयर होती है, जब भी जानते हैं ओजोन लेयर जैसे कहते हैं, ठीक है, तो 23 किलोमीटर की हाइट पर एक गैसेस की लेयर होती है, बेसिकली इसे कहा जाता है ओजोन लेयर, क्या कहा जाता है बेटा, ओजोन लेयर। अब जैसे कि आपको पता है कि सन से जब सनलाइट यहाँ पे मिलती है, सनलाइट क्या मिलती है बेटा, सनलाइट, सनलाइट जो है कॉम्बिनेशन होती है थ्री टाइप की लाइट का, कौन कौन सी, एक तो होती हैं विजिबल रेडिएशन होती हैं, विजिबल रेज होती हैं जिनके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को सीन करते हैं, और दूसरी होती हैं इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज है ना, इंफ्रारेड का काम क्या होता है, ये हीटिंग रेज होती हैं जिनकी वजह से गर्मी पड़ती है, और तीसरी होती हैं कौन सी, अल्ट्रा वायलेट है ना, और आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यानी कि जो यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज है ना, तो ओजोन लेयर का काम जो होता है वो ये होता है कि हमारे लिए जो हार्मफुल जो हमारे पास रेडिएशन है, यानी कि यूवी रेडिएशन है, इनको ये अडॉप्ट कर लेती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि हमारे जो ट्रीज हैं और जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। अभी होता क्या है कि हम लोग तो बहुत सेल्फिश है ना, हमें क्या पता नेचर की, हमें क्या पड़ी, हो रहा है तो होता रहे। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक तो बहुत सारा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे उत्सर्जन कर रहे हैं, बहुत सारे CO2 गैस बना रहे हैं, और एक चीज़ हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ आने के लिए आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, क्या करते हो, एयर कंडीशनर है ना, और दूसरा 2400 घंटे जो चलता रहता है आपके घर पर वो क्या है, आपका रेफ्रिजरेटर है, ये तो आपको पता ही नहीं है रेफ्रिजरेटर क्या करता है, और अपने बालों को सुखाने के लिए बिना बात के लिए हम लोग यहाँ पे हेयर ड्रायर यूज़ करते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और हेयर ड्रायर जो है बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस हैं, क्योंकि ये जब यूज़ होते हैं तो इनका काम होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पे जनरेट करते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेटा यहाँ पे जनरेट करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CFXCLY, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है CFCS, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जब वापस निकल के जाते हैं तो ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देते हैं, मतलब कि उसे तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, ओजोन लेयर का यहाँ पे डिप्लेशन कर देते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होने की वजह से जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे एनवायरमेंट में एंटर करती हैं, और डिफरेंट टाइप की डिजीज भी यहाँ पे क्रिएट करती हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है डिप्लेशन के लिए, जो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आएगा। सो दीज आर द हार्मफुल गैसेस। तो कभी भी बेटा एयर कंडीशनर तो चलाओ ही मत, बिल्कुल मत चलाओ, चलानी है तो आधा घंटा एक घंटा चलाओ बस, केवल बहुत है।
रेफ्रिजरेटर जो है दिन के टाइम पे चलाओ, डे टाइम पे चलाओ, जितना भी बहुत ज़्यादा जरूरत है तो चलाओ, बाकी टाइम पे ऑफ रखो, ठीक है। 5-6 महीने तो पूरे साल में बंद रखा करो। हेयर ड्रायर बैन कर दो, बिल्कुल यूज़ नहीं करना, चलाना नहीं है। हेयर ड्रायर तो है नहीं, वैसे ही धूप में बाल सुखा लो, कपड़े से सुखा लो, ठीक है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना, करेक्ट ऑप्शन जो होगा डिप्लेशन के लिए वो CF2Cl2 हो जाएगा, मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इनमें से सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है वो हम बात करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम पहले वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो पहला वाला कंपाउंड में जो क्लोरीन का जो आइटम है ना, वो कहाँ अटैच है, वो विनाइल कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है बेटा? विनाइल, क्योंकि ये विनाइल वाला है, और इसके साथ यहाँ पे हेलोजन आइटम अटैच है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो विनाइल हेलो एल्केन होते हैं ना, वो लीस रिएक्टिव होते हैं बेटा। विनाइल हेलो एल्केन कैसे होते हैं? लीस रिएक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है, विनाइल हेलो एल्केन्स, विनाइल हेलो एल्केन्स आर लीस रिएक्टिव, है ना। विनाइल हेलो एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, लीस रिएक्टिव फॉर किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। विनाइल हेलो एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कैसे होते हैं? लीस रिएक्टिव होते हैं। ये कौन सा है? ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ये अलाइल है, और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो भाई ये तो आसानी से दे ही देंगे, लेकिन ये बंदा नहीं देगा, लीस रिएक्टिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली बाई SN1, यानी कि SN1 रिएक्शन को सबसे जल्दी एक्सक्लूसिवली कौन देगा, सबसे अधिक मात्रा में कौन देगा? पहला बंदा देखो जरा, इथाइल क्लोराइड है, 2 कार्बन की चेन और यहाँ पे Cl का एटम। आगे आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे Cl लगा दिया। आगे बेंजाइल है, मतलब कि बेंजीन की रिंग लेंगे, उसके बाद कार्बन ये वाला, और इसके साथ यहाँ पे Cl, ठीक है। अगला वाला है क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो ये है क्लोरोबेंजीन। अब भाई एक बात आती है कि यहाँ पे SN1 करवानी है। SN1 के केस में ये होता है कि SN1 उसमें सबसे ज़्यादा होगी जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ देखोगे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर यहाँ से Cl जाता है तो यहाँ पे ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होने ही नहीं वाली है, यहाँ तो होगी ही नहीं। तो इसे तो ऑप्शन सी बाहर निकाल दो। अब 3 बचे। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या होगा कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यानी कि प्लस आई लगेगा, और एक इंडक्टिव इफेक्ट से, जैसे कि मान लो कि ये कार्बोकैटायन है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, मतलब प्लस आई की वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे 2 इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहे हैं, मतलब ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन जो बना हुआ है, ये बेंजीन की रिंग के साथ कैसा है? रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। कैसा है बेटा? रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। तो इस केस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली की बात जब पूछी गई है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन तो देता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक SN2 रिएक्शन है। कौन सी है? SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। ये है RBR, ये क्लोरीन है, कोई यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, और ये DMF है, डाइमिथाइल क्लोरामाइड। ये देख के कौन सा क्या समझ में आ गया? ये देख के समझ में आ गया कि भाई SN2 रिएक्शन होगी। DMF में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, RCl बना और BR नेगेटिव बन गया। फॉलोइंग कैन हाईएस्ट रिलेटिव रेट। अब देखो जरा, SN2 होता है, अभी हमने पढ़ा था कि SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, पढ़ा था ना हम लोगों ने अभी। हमने पढ़ा था कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 वो होता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इन सबको देखो बेटा, चेक करो, डिग्री चेक करो सबकी जरा। तो चेक करोगे, देखो BR यहाँ अटैच है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कैसा हो गया? ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ BR है, इस कारण पे 2 हाइड्रोजन और एक ही कार्बन, तो मतलब एक ही जो ब्रांच है, तो ये भी 1 डिग्री है। और यहाँ पे देखोगे कि ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ देखोगे ये भी 1 डिग्री है। तो अब तो सर सारे 1 डिग्री हो गए, तो 1 डिग्री में से सिलेक्शन करना है। अब ये देखो किसका कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा। अब मैं सबके कार्बोकैटायन यहाँ बना लेता हूँ बेटा के करके, ठीक है। मान लो कि यहाँ से BR गया, इस जगह से BR गया, तो BR जाने पर यहाँ पे ये होगा कि ये है यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे इस तरह से, CH3 और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देखो इंडक्टिव 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 है ना, मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा कार्बोकैटायन है। दूसरे केस में देखोगे यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या आएगा?
CH2+. तो देखो इंडक्टिव 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 इंडक्टिव, यहाँ पे इंडक्टिव इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मतलब ये इससे भी ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो मतलब SN2 ग्रेड यहाँ पे फास्टर होगी। अगले वाले में यहाँ पे केवल एक ही इंडक्टिव होगा, अगले वाले केस को अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडक्टिव मिलने वाला है, केवल एक इंडक्टिव है, और यहाँ पे ये इंडक्टिव और ये इंडक्टिव, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा, उससे कम कारोगेटन यहाँ स्टेबल होगा, और उससे कम होगा यहाँ, और उससे कम होगा यहाँ। तो मतलब करेक्ट आंसर तो हाईएस्ट रेट तो इसमें होगी। अगर मुझे ऑर्डर भी पूछा तो ऑर्डर कैसे लगा था, सेकेंड वाले सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा और उससे कम होगा बेटा आपका फर्स्ट वाला होगा, उससे कम होगा आपका फोर्थ वाला, और उससे कम होगा थ्री वाला। तो यहाँ पे ये रेट का ऑर्डर आ जाएगा SN2 के लिए, मतलब जिसका कार्बो ये जो ऑर्डर बेटा जो मैंने बताया है आप लोगों को किसके लिए बताया, ये तो मैंने बताया आप लोगों को SN1 के लिए बताया, क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में होता है बेटा यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटन देखते हैं, और SN2 की बात कर रहे होते हैं तो अनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव जो होगा वो तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा, उससे कम होगा फोर वाला, उससे कम होगा वन वाला, और सबसे कम होगा टू वाला, यानी कि ये SN2 का रेट है। पता है क्यों? देखो SN1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन देखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जिसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ना, क्या पता है, SN1 में ही तो कार्बोकेटाइन बनता था, तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन देखते हैं SN1 में, और यहाँ पे देखते हैं अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा इसके लिए, वो रहेगा आपका बेटा कौन सा वाला, वो रहेगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा रहेगा बेटा, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इट विल बी इनकरेक्ट। ये अगर SN1 होता तो ये करेक्ट होता, और आपका जो SN2 है, क्योंकि SN2 उसने बोला था, तो SN2 के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और SN1 होता तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो मतलब SN2 के लिए अनस्टेबल कार्बोकेटाइन देखना, और SN2 के लिए और SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला, अनस्टेबल सबसे कम ये है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कुछ कहा गया समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, बहुत सिंपल, देखो यहाँ तो मैग्नीशियम का एडिशन हो गया, तो एडिशन हो गया है ना, एडिशन हो गया है ना, उसके बाद यहाँ पे OH क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये तो क्या है, ये भी एडिशन है, वुड शूटिंग रिएक्शन है, आपको पता होगा अपना, और ये क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड। हलवा है क्वेश्चन, 2009 में आया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कहा गया है कि जो ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है, ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला दे रखा है, बना लेते हैं इसे। ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड कुछ ऐसे है, CCl3CH उसका फॉर्मूला होता है, जैसे क्लोरल भी कहा जाता है, मतलब बेसिकली दिस इज द क्लोरल। ये है बेटा हमारे पास ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ये कार्बन ले लिया और इसका ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लिया। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कर रहा है क्लोरोबेंजीन के साथ कर रहा है ना, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं, क्लोरोबेंजीन होती है C6H5Cl। तो एक क्लोरोबेंजीन ये ले लिया, पता है, ध्यान रखना हमेशा कि इस कंपाउंड के साथ क्लोरोबेंजीन की दो यूनिट आपस में जुड़ती है, यहाँ पे दो, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन का जो पैरा वाला जो हाइड्रोन एटम जो होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है, और पैरा हाइड्रोन क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है, और ट्रीट करके क्या करता है, पानी बाहर निकालता है। क्या निकालता है बेटा, पानी बाहर निकालेगा, पानी बाहर निकालने के बाद यहाँ मिलेगा आपको CCl3 मिलेगा, CCl3, और यहाँ पे आपको पता है CH है, और इस CH के साथ यहाँ पे दो क्लोरोबेंजीन की यूनिट जुड़ी हुई है, ये वाली दो क्लोरोबेंजीन की यूनिट यहाँ जुड़ जाएंगी, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा DDT। ठीक है, डाई फिनाइल ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ये है बेटा आपका। देखो यहाँ पे डाई क्लोरो, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, डाई फिनाइल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ट्राईक्लोरो और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड था, तो ट्राईक्लोरो इथेन भी कभी कह देते हैं, तो दिस इज द DDT। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा, आई थिंक कौन सा है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस आंसर के लिए फर्स्ट वाला जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो CCl3 CH के साथ यहाँ पे दो क्लोरोबेंजीन की यूनिट यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो बेसिकली यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगा, 2009 में आया था। ये देखो जरा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई मैग्नीशियम मेटल ली जा रही है, और फिर ईथर भी लिया जा रहा है, और फिर हाइड्रोलाइसिस भी करना है, क्या होगा देखो जरा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन बेटा, क्या होता है देखो, ये C6H5 है, CH2 भी आ रहा है, तो होता है क्या देखो जरा, C6H5 बोलेंगे तो दिस इज द मैग्नीशियम, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे Br है। पहली बार में क्या होता है कि बेटा इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो एटम है वो इनके साथ यहाँ पे अटैच होकर के क्या बनाता है, वो बनाता है यहाँ पे क्या, ये बनाता है यहाँ पे आपका क्या, RMGX।
RMGX बनाता है। RMGX क्या होता है? लाइक ग्रिग नाइट्रोजेंट होता है। R मतलब कार्बन की चेन। कार्बन की चेन क्या है सर? ये वाली कार्बन की चेन है, दिस इज द कार्बन चेन C6H5 वाली। यहाँ पे CH2 आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका MGBR। ये रखना है कि MGBR वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव। अब क्या करना है, पानी डालना है इसमें। पानी कौन सा वाला? एसिड वाला। H3O पॉजिटिव है ना। H3O पॉजिटिव का मतलब ये होता है H+ और OH नेगेटिव। इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाएंगे तो H+ आ जाएगा और OH इसको मिल जाएगा। तो OH जब MGBR को मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा MG, OH और BR। H जब इसको मिलेगा तो बेंजीन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, मतलब कि मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये कंपाउंड मिलेगा और इस कंपाउंड को यहाँ पे क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन, विच इज C6H5 एंड CH3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सेकेंड वाला होगा। ठीक है, वेरी इजी रिएक्शन। फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन। ये कंपाउंड रखे हैं, एक ये है, एक ये है भाई। आई थिंक ये एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है वाला। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है और ये एसीटोन है ना, ये कीटोन है। तो विच ऑफ द एबव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म, जब उसे गर्म करेंगे विद आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन लेना है बेटा, और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विल गिव द आयोडोफॉर्म, है ना। आयोडोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन आई है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मैंने आपने पढ़ी होगी, मैंने कई बार इसको इंपॉर्टेंटली आप डिस्कस भी किया, आपको याद होगा कि अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, मतलब एक तो ये वाला होता है, एक ये ग्रुप होना चाहिए, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और एक मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होगा, एक वो हेलोफॉर्म देगा, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, यानी कि CH3 एंड यहाँ पे सी एंड डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक बार ध्यान रखना है तो यहाँ पे जो हमने खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे कार्बन ही आना चाहिए, यहाँ पे भी कार्बन आना चाहिए। तो ये दो ग्रुप देते हैं। ठीक है, और कौन देता है? और एक्सेप्शनली दो चीज़ें देते हैं। एक एक्सेप्शनली ध्यान रखना है कि एक तो एसिटाल्डिहाइड भी देता है और इथेनॉल भी देता है, ये एक्सेप्शनली देते हैं। तो आपको देखना है चार लोग देते हैं, इथेनॉल देता है, एसिटाल्डिहाइड, ये ग्रुप वाला और ये ग्रुप वाला। आप देखो, चेक करो जरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चेन मिल रही है क्या? ये वाली चेन देखने की कोशिश करो बेटा, यहाँ पे पहले वाले में देखने, जरा देखो, जरा पहले वाला देखो जरा। तो पहले वाला तो इथेनॉल है, मतलब कंफर्म है, ये तो देने देना है। ये एसीटोन है, ये तो कंफर्म है भाई। एसीटोन को अगर यहाँ देखोगे तो एसीटोन की स्ट्रक्चर ऐसे तो बनाओगे आप लोग, CH3 सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिल रहा ना, मतलब ये वाला भी देगा। तीसरे वाले की बात करते हैं, तीसरे वाला ग्रुप कुछ ऐसा है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी CH3 है, तो मतलब ये भी देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप मिल गया नहीं वाला, है ना। CH3 OH नहीं देगा, तो ए देगा, बी देगा और सी देगा। ए बी सी का मतलब कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हेलो फाउंडेशन। अगला, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1? SN1 आ गया, मतलब कि क्या देखेंगे? स्टेबल कार्बोकेटन देखेंगे। स्टेबल कार्बोकेटन कौन सा है भाई? थोड़ा सा काम कर लोगे ना, आंसर गलत नहीं होगा। चेक कर जरा, C6H5 मतलब कि बेंजीन की रिंग, अपने आप समझ आ जाएगा, बना के रखोगे स्ट्रक्चर बस। केवल यहाँ पे क्या है भाई? CH2 और यहाँ जब BR चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बो कैटाइन। सेकंड वाले में देखो जरा, CH फिर से C6H5 है, मतलब कि इस वाले के पास ये CH है और दो यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे दो रिंग है, C6H5 की दो रिंग यहाँ बनानी है। एक रिंग ये आ गई और एक रिंग बेटा इस तरह से यहाँ बना दो, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे कार्बो कैटाइन। तीसरे वाले में C6H5 है और फिर CH3 है, तो मतलब यहाँ पे जो कार्बो कैटाइन है ये वाला है, एक तरफ यहाँ पे CH3 है और एक तरफ यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, एक ये वाला केस है। उसके बाद यहाँ पे देखो, C6H5 है, CH3 और C6H5 है, मतलब एक कार्बोकेटन ये वाला है, यहाँ पे कैटाइन है और एक तरफ यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये रेजोनेंस है ना, और यहाँ पे ये एक रेजोनेंस यहाँ पे है। आपको पता होगा कि कार्बोकेटन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सबसे पहले तो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, BBS। उसके बाद क्या होता है, लाइक एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिक से कम कौन देखते हैं? मेसोमेरिक। मेसोमेरिक के बाद देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर नोटिस डाउन करोगे तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन की रिंग है ना, कौन सा इफेक्ट शो करेगी? रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे एक आर है ना, और कुछ नहीं है क्योंकि हाइड्रोनेटर तो कुछ करता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, एक रेजोनेंस यहाँ से आएगा, एक रेजोनेंस यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे दो बार आर आ गई, तो ये इस तरह स्टेबल हो गया। यहाँ पे देखो, एक इंडक्टिव है और एक रेजोनेंस है, तो मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो रेजोनेंस हैं, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आर आ गया और एक इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, तो तीन बंदे हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाऊं तो ऑन माय बिहाफ यहाँ पे सबसे वन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसका कार्बोकेटन सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार रेजोनेंस आ रहा है और एक बार इंडक्टिव। उससे कम अगर मैं बात करूं तो नंबर टू कैटेगरी पर मैं ये लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार रेजोनेंस है, और नंबर थ्री पर ये लेंगे क्योंकि एक रेजोनेंस और एक इंडक्टिव है और यहाँ पे केवल एक रेजोनेंस है, तो यहाँ पे इसे देंगे नंबर चार। तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी निकालें तो सबसे स्टेबल पहला वाला है,
फिर सॉरी देखो जरा इसके हिसाब से लगाओ, ये यहाँ पे हमने सबसे स्टेबल कौन सा बताया, सबसे स्टेबल बताया इसे बताया हमने, है ना, सबसे स्टेबल बताया इसे वन, और उससे कम कौन सा वाला है, उससे कम है ये वाला, और उससे कम है ये वाला, और उससे कम है ये वाला। तो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फोर, फोर के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा टू, और टू के बाद क्या आएगा थ्री, और थ्री के बाद यहाँ पे क्या आएगा वन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछता तो ये वाला हो जाता, लेकिन सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है भाई, यहाँ पे फोर वाला, क्योंकि यहाँ पे दो रेजोनेंस और एक इंडक्टिव है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस ये सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन बनाएगा। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन में SN1 की रिएक्शन जो होगी वो सबसे ज्यादा कैसी होगी, रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर। अगला क्वेश्चन कहा गया कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, है ना, टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक के लिए किस में ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो जरा, आपको पता है कि ये तो सिंपल हेलोरिन है ना, हेलोरिन है, तो हेलोरिन में तो आपको पता है कि यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हेलोरिन में अगर जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बाय मॉलिकुलर, यानी कि एयर एसेंटुरेशन होती है। और एक यहाँ पे है भाई थ्री डिग्री का, यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन में आता है, ये क्या हमारे पास, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, और ये वाला जो क्या हमारे पास, ये टू डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये टू डिग्री है, और ये क्या हमारे पास, ये है बेटा आपका थ्री डिग्री है ना। तो ये थ्री डिग्री हो गया, और ये टू डिग्री हो गया, और ये हमारे पास ये तो मजबूरन ऐसे करना पड़ा है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, वैसे तो ये करता ही नहीं। तो अगर मैं कहूँ तो थ्री डिग्री वाला सबसे आसानी से देगा, मतलब तीसरा ऑप्शन पहले आना चाहिए सबसे पहले। तो तीसरा कहाँ पे था, देखो जरा तीसरा ये रहा, उससे कम कौन देगा, टू डिग्री, तो टू डिग्री आएगा, ये मजबूरन दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तब दे रहा है, वैसे तो सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है, है ना। तो मतलब ये सॉरी यहाँ पे थर्ड वन और यहाँ पे फोर, दोबारा देखना होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, देखो जरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पे आ रही है, आई थिंक सेकंड, ओके 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 ओके, हाँ थोड़ी सी हमने गलती करी यहाँ पे बेटा, गलती ये करी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे एक नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा फिर इसमें होने चाहिए बेटा, हम यहाँ पे देख ही गलत रहे बेटा, ऑप्शन तो सही थे हमारे, यहाँ देखो जरा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है भाई, थर्ड वाली की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि फोर्थ वाली की होनी चाहिए, सेकंड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि थ्री डिग्री हेलोएल्केन ना, थ्री डिग्री हेलोएल्केन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ओके भाई क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा तो थ्री की होनी चाहिए, ठीक है, थ्री का तो सबसे ज्यादा ही हो गया, ठीक है क्लियर है, थ्री का हो गया, उससे कम किसकी होनी चाहिए, फोर की, क्योंकि यहाँ पर टू डिग्री हेलोएल्केन है, तो ये सही बनाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप, और फिर ये वाला, हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं भाई, क्योंकि SN सब्स्टिट्यूशन बात करते हैं, सर सब्स्टिट्यूशन में देखो आपको पता है कि हेलोएरिन तो बिल्कुल देने वाली होती नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं, हेलोएरिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, बट इनकी ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो ये मजबूरन दे देती हैं, तो मतलब ये दे देती है, ये नहीं देती है, और इनमें से आपको पता है थ्री डिग्री वाला सबसे जल्दी देता है, टू डिग्री वाला सबसे कम देता है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा टू हो जाएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बट वो क्लियर हुआ। ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हो रही है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, कई बार मैं ऐसे करा चुका हूँ, ये हमने क्लोरोबेंजीन बेटा लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेने के बाद इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा वो देखो जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड सभी जानते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड होता है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पे सी और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी एस थ्री, ये रिएक्शन जो हो रही है वो AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में हो रही है, आपको पता है कि जब भी मैं ये कंपाउंड पढ़ाता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड तो उसके बारे में ये कहा है कि ये जो है वो यहाँ से ग्रुप ब्रेक करता है यहाँ से, और इसको सिर्फ एक H चाहिए होता है, अब H कहाँ से दे दो, या तो ऑर्थो से, और यहाँ कहाँ से दे दो, पैरा से, लेकिन अगर ऑर्थो से यहाँ पे देगा तो ऑर्थो से ये जो ग्रुप है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे अटैच होगा और एक पैरा पे अटैच होगा, तो कंपाउंड जो यहाँ बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब कि यहाँ पे एक तो ऑर्थो पे सी ओ सी एस थ्री आ जाएगा, सी ओ सी एस थ्री ये वाला पार्ट, सी ओ सी एस थ्री मतलब ये वाला पार्ट है ना, और एक पैरा पे भी आएगा, लेकिन ऑर्थो वाला जो होगा कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, और पैरा वाला कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, मतलब कि मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये भी बनेगा ये बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा बनेगा ये कम बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका फोर वाला, बनने तो ये दोनों है लेकिन मेजर प्रोडक्ट का होगा ज़्यादा होगा ये वाला होगा, तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भाई, एक और क्वेश्चन भी है, हाँ एक और है, अभी 13 है और भी है 14 है, ठीक है कराते पूरा, और देखो जरा अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम रिएक्टिव टुवार्ड्स द SN1, SN1 के लिए मैक्सिमम कौन होगा, वही देखो जरा, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ भेजेगा,
कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ओ सी एस थ्री क्या करेगा, ये भी यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्टिव भी शो करता है, लेकिन इसमें से सी एस थ्री का जो इंडक्टिव होता है वो ओ सी एस थ्री के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले का। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। मोस्ट इजीली कौन देगा भाई, वही जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है ना, दोनों में ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पैरा पोजिशन पे, और यहाँ पे ये तो मिथाइल है तो देगा नहीं, तो मोस्ट इजीली कौन देगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। एलवाइन में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए बस केवल। ये तो क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है, तो मतलब ये जो रहेगा यहाँ पे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चीज़ें ध्यान दी थी, एक मिनट देखो जरा, यहाँ मिस्टेक हुई है, हमने थोड़ा ध्यान दिए यहाँ पे। किसके लिए पूछा है भाई, SN1 है कि SN2? SN1 थी बेटा। SN1 में क्या करना है भाई, Br को हटाना है, और Br को हटाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। वैसे डोनेटिंग दोनों ही है, दोनों ही डोनेटिंग बेटा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, दोनों ही। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन था, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं 14 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट। अब येलो प्रेसिपिटेट की बात करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है, हेलो फॉर्म का होता है, वो भी आइडो फॉर्म का, CH3। अब ये देख लो कि यहाँ पे जो आइडो फॉर्म है बनाया कौन, आई थिंक ये बनाएगा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है, ये वाला होता है टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, और हेलो फॉर्म रिएक्शन से यहाँ पे कौन सा हेलो फॉर्म बन सकता है, CH3, मतलब आइडो फॉर्म बन सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 14 वाला, 14 का सेकंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, होप्सो की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, PYQs लगभग 50 to 60 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पूछिएगा, एंड वीडियो को मैक्सिमम आपको शेयर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।